शांति का बिस्तर बिछा दिया ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया रमता राम राम मोहे जिया ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया जागृत जागृत सुपने शिशोपते उपाधि हम तो यद वेते अखदे अनादि कृष्णिश्चे को मेरे जमालिया ज्ञानी ने गुप्त खजाना पालिया रमता राम राम मोहे जिया ज्ञानी ने गुप्त खजाना पालिया ऐसी गहरी नींदर आई जगत महिल नारयो दिखाई ऐसी गहरी नींदर आई जगत महिल नारयो दिखाई अद्वैत राम पति वर लिया ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया रमता राम राम मोहे जिया ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया न कोई बैरी मित्र हमारो जित वाले देखा उत वाले प्यारो ना कोई वैरी मित्र हमारो जित वाले देखा उत वाले प्यारो हर कर निर्णय मैंने आज मालिया ज्ञानी ने गुप्त खजाना पालिया रमता राम राम मोहे जिया ज्ञानी ने गुप्त खजाना पालिया जो सागर में बूंदे समाई संत राम में भेद न भाई जो सागर में बूंदे समाई संत राम में भेद न भाई गुड़ शब्दी मन को है अटका लिया ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया रमता राम राम मोहे जिया ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया दर्द मिटाए सुख के साथी बात मिले पर दुख में काम न आवे दीन दुखी का एक गुरु है सदाई हो जो भी प्रेम से जाए गुरु हो उसका सभी दुख जाए कोई वट भागी जो सतगुरु पाए कोई वट भागी जो सतगुरु पाए कोई वट भागी जो पूरा गुरु पाए कोई वट भागी
जो थोड़ा दूध पाए सत्य गुरु पाए बूढ़ा गुरु पाए सत्य गुरु पाए बूढ़ा गुरु पाए बूढ़ा गुरु पाए आत्मा मिलावे बूढ़ा गुरु पाए आत्मा मिलावे सोई मन मारी जो सत्य गुरु पाए एक शिष्य गया गुरु के पास। गुरु ने बोला तुम्हारे हाथ से और निराड़ी से देखने में आता है कि तुम कल मर जाने वाले। बेचारा डर गया, बोला कल मैं मर जाऊंगा। गया घर में, एकदम स्त्री को बोला, बच्चे को बोला, पैसा वैसा जो था सब दे दिया, जो छिपी हुई बात थी औरत को बताई, बेटे को बताई, सब पैसा वैसा सबको दिया, चाबी दिया, कुंजी दिया, जो छिप छिप के रखा था सब सबको दे के माफी माफी लिया, जैसे उसने बुराई किया था भलाई किया था सब बुला के माफी लिया, ये किया वो किया। दूसरे दिन आया गुरु के पास, गुरु जी आज तो मैं मरा ही नहीं। बोला मैंने बोला कल मरेगा, कल मरेगा, आज थोड़ी बोला मरेगा, कल मरेगा। रोज जाता था गुरु के पास, गुरु जी तुमने बोला कल मरेगा टुमारो, तो कल तो आया, कल तो मरा ही नहीं, आज तो जिंदा है। बोला बेवकूफ कल मरेगा, कल मरा क्या टुमारो, नेवर कम, तो मरेगा ही नहीं। सच्ची बात तो यही है, तुम मरने वाला ही नहीं है। कितनी अटकल किया, रमज किया और वो सुधर गया। जिसवा के मौत का डर लगा वो सुधर गया। बोला मेरे को दुनिया ही छोड़ने की है, मैं काहे की ममता रखूं, काहे की इच्छा रखूं, काहे की वासना रखूं, किसमें ममता रखूं, किसमें मोह रखूं, सबसे मोह कलानी करके भाई अभी हम जो भी किया पाप मेरे को माफी दे। ऐसा बहुत
पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। उसी सारे दिन में नहीं पाप किया, नहीं क्रोध किया, नहीं बच्चे को समझाया, नहीं दुकान में किसको समझाया। बोला अभी तो मैं मरने वाला हूँ, जाके क्या भी करे मेरा क्या वास्ता। चुपचाप में मर गया, मरने से पहले ही मर गया। तो शुद्ध पवित्र हो गया। जिसको मौत सामने याद है, जो जीते जी मर जाता है, वो कोई पाप नहीं कर सकता, उसको कोई इच्छा वासना हो नहीं सकती है, वो किसके ऊपर क्रोध नहीं करेगा। पांच ही विकार एक दिन में उसका चला गया, खाली मौत को सामने रखा कि मैं हूं ही नहीं। तो गुरु जीते जी मार डालता है, ऐसा नहीं सचमुच मारता है, बस बोलता है तुम मरा ही पड़ा है, तुम जिंदा है कहां, आज है कल नहीं होगा, तुम किधर है। ऐसा ज्ञान देता है, ऐसा वैराग्य देता है, जो तुम रहेगा भी दुनिया में, लेकिन दुनिया का होके नहीं रहेगा। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में भले रहो पर दुनिया का होके नहीं रहो। दुनिया में ममता नहीं डालो, मोह नहीं डालो। दुख दुनिया में नहीं है, दुख है दावा में। जिस जिसके ऊपर तुमने दावा रखी है मेरा है, उसी से दुख मिलेगा। और मेरा कुछ नहीं है, मेरा ये शरीर भी नहीं है, तो मेरा कहां से है। दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है, सब ईश्वर की अमानत है, सब ईश्वर ने दिया है, ईश्वर लेके जाएगा एक दिन, सब अमानत की गठरी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो भी तुम बोलता मेरा 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 करके दुखी हुआ। मेरे नहीं तो तुम्हारी शांति गंवाई है, दूसरी किसने शांति गंवाई, तुमको पीरी किसने दिया, दुख किसने दिया, मौत किसने दिया, जन्म मरण किसने दिया, मेरे ने। अभी भी तुमको मेरा ही मीठा लगता है, तुमको अपना बेटा जितना प्यारा लगता है दूसरे का बेटा प्यारा लगता है। दूसरे के बेटे को दुख है बहुत, तुम कभी उसकी चिंता किया, तुम्हारे बेटे को दुख है तो क्या करेगा, देश परदेश उसके लिए जाएगा। एक हमारे पास डॉक्टर आता था, एक दिन अपने बेटे के लिए गया मथुरा से दूसरे शहर में आगरे में इंजेक्शन लेने के लिए। जब लौटा हमारे गुरु ने सवाल पूछा उससे, भाई अपने बेटे के लिए जैसे अस्पताल छोड़ के पेशेंट छोड़ के तुम इंजेक्शन लेने दूसरे शहर में गया, जैसे दूसरे के बेटे के लिए जाएगा। तो सोच किया, बोला गुरु जी तुम्हारे लिए शायद जाऊंगा, और जास्ती में जास्ती किसी सत्संग के लिए जाऊंगा, बाकी जो हमारा पेशेंट धाड़िया इधर उधर से आता है मैं उसके लिए तो भाई नहीं जाऊंगा। भाई जैसे अपने बेटे के लिए गया तैसे दूसरे के लिए नहीं जाऊंगा। बोला क्यों, तुम्हारा बेटा वापसी में क्या देगा। और ज्ञानी क्या करता है, अपने बेटे की तो चिंता भी नहीं करता है कि मेरा बेटा कोई सुधरे भी, कोई अच्छा भी बने, कोई ज्ञान भी सुने, ज्ञान सुने नहीं सुने, दूसरे का बेटा सुन रहा है वो भी मैं हूँ, वो भी मेरा ही है। कितनी खुशी आनी चाहिए। आई सब माँ, आई सब माँ, मिंजो कुछ कौन है, पर माँ ही आया। उन्हें मैं पहचानो, जो अपने और पराये में एक ही आत्मा देखता है वही ज्ञानी है, वही सच देखता है। अपने में और पराये में एक ही आत्मा देखे, लेकिन मेरे बेटे ने खाया, मेरा बेटा सुखी हुआ, कब सुखी होएगा, ये कब अपने पाँव पर खड़ा रहेगा, पीछे मैं छोड़ूंगा। तो बोलिए मेरे घर में ना बहू आएगी, पीछे मैं सत्संग में रोज आएगी। भाई अभी तो मैं बंधन में हूँ क्योंकि मेरे पास बेटा है, कुआरा है, लड़की है, ये है वो है। बहू आएगी, मैं उसी को चाबी दे के दूसरे दिन सत्संग आएंगी। ये बहू वाली बैठी है वो आती है सत्संग। तो आपने चाबी दे दिया, पर दूसरे के लिए दर्द क्यों नहीं उठता। ये निष्काम भाव तुम्हारे में उत्पन्न होगा, जैसे सत्संग सुनेगा तो तुम्हारे अंदर निष्कामता आ जाएगी। निष्काम का थोड़ा सा भी बीज नाश होने वाला नहीं है, और जन्म मरण के भय से बचाने वाला है। गीता में भगवान ने बोला है, थोड़ा सा भी तुम निष्काम हो जाओ, माना दूसरे के लिए जियो, दूसरे का ख्याल करो, दूसरे को प्यार करो, दूसरे को शक्ति दियो, हमदर्दी दियो, कोई दुखी है उसके पास जाओ। जैसे तुम्हारी कोई लड़की या लड़का दुखी हो तो कितना चिंता होगी, ऐसी तरह से दूसरे की चिंता करो तो तुम्हारा दुख जो है वो चला जाए। बहुत ही खुशी है, बहुत ही आनंद है निष्काम होने में। कोई निष्काम होके तो देखे, तुम कृपणा कंजूस खाली अपने लिए सोचेगा, अपने वाले के लिए सोचेगा, दूसरे के लिए सोचेगा ही, सब मैं और मेरे में ही फंसा पड़े तो दूसरे का ख्याल कैसे आएगा। जब मैं और मेरा छूटेगा तभी सर्व का ख्याल तुम्हारे को आएगा, तुम भगवान हो जाएगा। तो ये सब का प्रार्थना तुम्हारे पास आएगी,
जो दुखी प्रार्थना करेगा तुम उसके ऊपर, तुम उसके पास पहुंच जाएगा। बोले ना, मैं कैसे इधर आ गया? भगवान तुमको उधर पहुंचाएगा जो कोई दुखी होगा। आप ही उसकी पुकार तुम्हारे को पहुंचेगी, जो निष्कामी होगा उसको निष्काम कर्म सामने आएगा। निष्काम कर्म का फल क्या है? मुक्ति, शांति, आनंद। और निष्कामी को निष्काम कर्म सामने आएगा। तुम्हारे सामने कोई ऐसा केस आएगा जो दुखी होगा, तुम्हारे पास आएगा। और नहीं तो जो दुखी होगा बोलेगा, ये अपने में ही पूरी है, ये अपने पकाने में, अपने बेटे में, बेटी में ही पूरी है, मैं इसके पास जाके क्या करेगा, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। जब देखेगा भाई ये दूसरे के लिए भी जिंदा है, जीती है, तभी सारी दुनिया का जो दुखी इंसान है वो तुम्हारे पास आएगा। क्योंकि उसको पता है ये डॉक्टर है, ये मन का डॉक्टर है, ये हमारा दुख हरण करेगा अभी का अभी, सेकंड में। इधर कोई भी दुआ आती है, सेकंड में सदुआ बन के जाती है, बोलती है मेरा पति परमात्मा है, मैं क्यों रहूं। हमेशा के लिए आंसू सूख जाता है, सब जो दुखी आता है इधर से सुखी होते जाते हैं, हमेशा के लिए हंसता है, स्माइल, माइल्स एंड माइल्स यू स्माइल। काय के लिए नहीं स्माइल करता है? जो स्माइल नहीं करता है वो अंदर में जरूर कोई पाप रखता है, कोई दुख रखता है, कोई शिकायत रखता है। अब इधर जो स्माइल नहीं करता है ना, उसके शक्ल में देख के समझता है ये पापी लोग है, ये भगवान को ही दोष देता है, जरूर किसी न किसी बात में भगवान से दुखी हुआ है। परमात्मा निराकार जिसने इतना सुख दिया, उसी से भी ये दुखी है, साकार से भी ये दुखी है, मर्द बेटे से भी ये दुखी है, सबसे दुखी है, शिकायत है इसके लिए, ये दुखी है इसके लिए, ये रोता है। नहीं तो ऐसे सुंदर दुनिया में आके भगवान का भजन करो, ऐसी मंच दी तुमको मिली है और भगवान को पाओ तो तुम जरूर मुस्कुराएगा, खुश होएगा। ऐसी कौन सी बात है जो तुम खुश नहीं होता है? ऐसा कौन सा बड़ा दुख है जो तुम्हारे पास आया है जो तुम दुखी होता है? अरे ये तो आता जाता रहेगा, ये तो खसीस बात है। तुम अपनी आत्मा में रहो, ज्ञान में रहो, तो तुम्हारा दुख आज ही दूर हो जाएगा। जो पास्ट और फ्यूचर को याद करेगा वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, उसके अंदर से मुस्कुराहट आएगी नहीं, खुशी आएगी नहीं। या पास्ट याद करके रोएगा या फ्यूचर की चिंता करेगा, वो प्रेजेंट में भी दुखी रहेगा। ये श्लोक आज कौन सा निकला है? तो नहीं पास्ट, नहीं फ्यूचर, नहीं प्रेजेंट, ये निकला ना, तीनों जो समय मेरे में नहीं है, तीनों काल मेरे में नहीं है, मैं आत्मा हूं, मेरे में पास्ट फ्यूचर होता ही नहीं, कोई देश नहीं होता है। मैं भाई इस देश में तो रहूंगा, विदेश में नहीं जाऊंगा। तुम दूसरे शहर में आएगा ना तो तुमको फिर अपना देश याद आएगा। जो भी इधर हमारे पास आते हैं हम तो हैरान होते हैं, कोई कहां से आते हैं। पहले बोलते हैं भगवान आप अहमदाबाद कब चलेगा, अभी आया ही है, इधर आया है अपना देश काल सब भुलाने के लिए, शरीर भुलाने के लिए। बोलता हमारे शहर में कब चलेगा, माना उसको शहर याद है। मैं कराची से आया हूं, मैं मुंबई से आया हूं, मैं लखनऊ से आया हूं, मैं उधर से आया हूं। कब ये भूलेगा कि मैं परमात्मा से आया हूं, परमात्मा में मिलने के लिए मैं इधर आया हूँ। भाई मेरे को भगवान से मिला के छोड़ो, भगवान से ही मैं बिछर के आया हूँ, फिर मेरा भगवान मेरे को वापस दियो। वो तो किसी को भी चिंता नहीं है, खाली मेरे शहर में चलो, मैं फलाने शहर से आया हूँ, फिर फलाने शहर में जाऊंगा। शहर कहाँ है, देश कहाँ है, कल कहाँ है, परसों कहाँ है, आज कहाँ है, अब कहाँ है? तो जो आत्मा में कोई काल नहीं है, यू आर सेल्फ, तू जो सेल्फ है, तुम्हारे सेल्फ में, आत्मा में कुछ भी नहीं, योर ओन सेल्फ, नो दाय सेल्फ एंड यू नो गॉड। अपने आप को पहचानो, अपने दाय सेल्फ को पहचानो, आत्मा को पहचानो, तो तुमने भगवान को पहचानो। पीछे तुम्हारे में कौन सा दुख हो सकता है? नहीं जन्म है, नहीं मरण है, नहीं दुख है, नहीं बीमारी है, नहीं कष्ट है, कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा सुखी हो जाएगा, ऐसा आनंद में रहेगा, बोलेगा एक राजा सारी सृष्टि का भी सुखी नहीं है जितना मैं सुखी हूँ। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, मैं समझी दुख मुझको, पर दुख सब आया जग। मैंने समझा दुख खाली मेरे पास आया है, सारी दुनिया ही दुखी है, कौन सी बड़ी बात है? क्यों दुखी है? अज्ञान करके दुखी है। भगवान ने किसको दुख नहीं दिया है, किसी ने भी किसको दुख नहीं दिया है, हमारा ही अज्ञान है जो हम दुखी अपने को जानता है मानता है। दूसरे को दुखी करना तो पाप है, लेकिन अपने को दुखी समझना महा पाप है। कभी भी अपने को दुखी नहीं समझना कि मैं दुखी हूं,
तुम रोता है पीटता है क्योंकि तुमको अज्ञान है। जिसको अज्ञान निवृत्त हो गया वो सुखी हो गया, शांत हो गया। इधर खाली अज्ञान की बीमारी है तुम्हारे को, तभी तुम दुखी हुआ है। तो इधर ज्ञान का जब भी तुमको दवाई मिलेगी तो अज्ञान की बीमारी चली जाएगी। अज्ञान जाता है ज्ञान से, किसी भी कर्म से नहीं जाता है। तुमने बहुत कर्म किया, तुम्हारा अज्ञान गया। भक्ति किया, पूजा किया, द्वैत की भक्ति किया, मेरा कृष्ण है, मेरा राम है, मेरा शिव भगवान है, मेरा गुरु अच्छा है, मेरा भगवान अच्छा है। तेरा गुरु अच्छा हुआ तो क्या हुआ, तेरा भगवान परफेक्ट हुआ तो क्या हुआ, तुम तो गद्दे का गद्दा रह गया। तुम तो अभी तक बोल रहा मैं तो भाई कुछ नहीं हूँ, मेरे को तो भाई अज्ञान आता है, मेरे को तो मन भी आता है, तुम तो शरीर ही बन के बैठा है, तुम तो दुखी सुखी होता है, तुम्हारा गुरु परफेक्ट हुआ तो क्या हुआ। भैया हमारा गुरु बहुत अच्छा है, तुम्हारा गुरु अच्छा हुआ तो क्या हुआ, तुम अच्छा है, तुम कितना परफेक्ट हुआ है, तुमको कितनी शांति आई है। तभी तुम गुरु की महिमा बताओ जब तुमको शांति आई हो। तुम अशांत, तुम दुखी, तुम रोता है, तुम पीटता है, गुरु की महिमा करता है। गुरु थोड़ी खुश होगा तुम्हारी महिमा से। गुरु की महिमा कभी नहीं करना, तुम अपनी महिमा करो। तुमको कितनी शांति आई है, तुमको कितना ज्ञान हुआ है, तुम आत्मा में टिका है, तुम पक्का है, तुमको दुख सुख नहीं व्यापता है कि अभी तक दुख सुख तुमको लगता है और तुम बोला मेरा गुरु तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे को दुख से बचाया, तुम दुख से बचा, जन्म मरण से बचा, ख्यालों से बचा, संकल्प विकल्प शांत हुआ। अज्ञान की बीमारी हो या भाई गुरु बहुत अच्छा है, तुम्हारा अज्ञान कितना गया पहले ये बताओ, कितना तुम्हारे में शांति आई है, कितना ज्ञान आया है। यहाँ अभी तक वही काम, वही क्रोध, वही लोग, वही अहंकार, वही आदत पुरानी, जिसको जो पुरानी आदत है वो छोड़ी है। कौन सी आदत तुमने छोड़ी है पहले वाली, कल भी तुम जो खाता था, पीता था, भोगता था, जाता था, आता था, ऐसे आज भी ऐसा करता है, तो तुम्हारे में फर्क क्या हुआ। कितना तुमने ममता छोड़ी है, कितना इच्छा वासना को छोड़ा है, कितना मन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया है, तभी तुम गुरु की महिमा करना। भाई मेरे को मन को इंद्रियों को वश कर दिया है, हमारे गुरु ने हमारा मोह काटा है, हमको हक है, हम गुरु की महिमा कर सकते हैं क्योंकि हमको ऐसा बनाया है। तुमको जब बनाया ही नहीं है तो तुम कैसे महिमा करते, तुमको मिला क्या है, डॉक्टर से कुछ मिला है, कोई बीमारी गई है तो हम डॉक्टर की प्रशंसा करेगा, हमारी बीमारी गई नहीं है तो हमारे लिए डॉक्टर कौन सा अच्छा है। ऐसी तरह से जब तक तुम्हारा अज्ञान नहीं गया है, तुम्हारा पूरा पूरा अज्ञान नहीं गया है, तब तक तुम अपने ही पुरुषार्थ में रहो तो अच्छा है। तुमको कितना फायदा हुआ है रोज आके बताओ तो हम भी समझे। तो कुछ छोड़ा है, कुछ इच्छा वासना छूटी है, मोह ममता छूटा है, अहंकार छूटा है कि नहीं छूटा है, या अभी तक जैसे का तैसा है। कोई भी नहीं बोलता है इसका मतलब कोई फायदा नहीं पड़ा। बहुत फायदा है, सब अपनी महिमा में स्थित जो मैं हूँ, मेरी दृष्टि में आत्मा कहाँ और अनात्मा कहाँ है, अर्थात आत्मा और अनात्मा का व्यवहार अज्ञानी मूर्ख की दृष्टि में होता है, और शुभ कहाँ है और अशुभ कहाँ है, चिंता और अचिंता कहाँ है, किंतु केवल चेतन ही अपनी महिमा में स्थित है, केवल ही केवल ये जैसे हो जाता है। एक सत्य है, भी सत्य हो सी भी सत्य, सब सत्य सत्य आत्मा है, तो आत्मा में दूसरा कुछ है नहीं, अनात्मा नहीं है। तुम अगर अपने को बोलेगा ना मैं आत्मा हूँ, मैं मना शरीर को आत्मा समझ के बैठेगा तो दूसरे को बोलेगा ये तो अनात्मा है, जगत भाई अनात्मा है, मैं ब्रह्म जो हूँ ना मैं आत्मा हूँ, मैं तो निराकार हूँ, जगत अनात्मा है। मैंने फिर दो देखा, ये मिथ्या है, मैं सत्य हूँ। मिथ्या छा के चवा, पंजन तत्न जो शरीर जो है सो माया, माँ मन आत्मा, जगत भी माया है, जगत में मुखा से कुछ कौन है, सब माँ मन आत्मा है। दो मिनट के बाद तुम्हारा शरीर नहीं होएगा तो तुम कैसे बोलते मैं हूँ, आज तो भाई मैं हूँ, कहाँ है तुम। अब ये भी बोलते बोलते शरीर छूट सकता है, तुम कैसे अहंकार करता है कि मैं हूँ,
आदमी माना एकदम ही एकदम तुम्हारी उम्र है, अभी दम गया अभी दम निकला सेकंड में, भाई आदमी बैठा था अभी अभी बैठा था, भाई चाय पी रहा था, चाय इधर भी नहीं गई और खलास हो गया। तो तुम कैसे बोलते मैं अभी तो हूँ पीछे भी होएगा, तुम कौन है जो होएगा, एक ही परमात्मा रहेगा, तुम कहाँ रहेगा, तुम है कहाँ, तुम्हारा शरीर है कहाँ, शरीर माई दरी खलास होगा अभी ना अभी दो मिनट के बाद, तो तुम कैसे बोलते मैं शरीर हूँ। वर्तमान में भी भगवान है आत्मा है, केवल ये केवल क्या बोला, भगवान ही भगवान रहेगा तुम नहीं रहेगा, तुम आज भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं है, तुम कर भी कुछ नहीं सकता है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण भी नहीं होगी, तुम काय के लिए इच्छा करता है काय के लिए अहंकार करता है, जो भगवान की इच्छा वो पूर्ण होगी। तुम बोलो भगवान को दाय विल बी डन ओ लॉर्ड, दाय विल बी डन नॉट माय विल, मेरी मर्जी नहीं चले तो अच्छा है तेरी मर्जी चले, जो तुग भावे साई बलिकार, जो भगवान तुम करेगा बहुत अच्छा करेगा, हमने तुम्हारे ऊपर रख दिया। जैसे कोई शराफ आदमी होवे तुम कितना पैसा उसको दे सकता है, भाई हमारा इसमें विश्वास है, मैं 10,000 भी दे सकता हूँ 10,00,000 भी दे सकता हूँ, तो भगवान में इतना भी विश्वास नहीं है तुम्हारा, तुम समझता भगवान जल्द खा जाएगा, भगवान के भगवान में विश्वास है कि तुमको पढ़ाल बुद्ध मिलेगी, जो तुम्हारी चीज है तुमको मिलेगी या खा जाएगा भगवान, पहले बनी पड़ाल बुद्ध पीछे बना शरीर, ये शरीर पीछे बना है, पहले तुम्हारी पड़ाल बुद्ध बन गई, जो तुम्हारे लाइफ का ड्रामा है बनना ही पड़ा है, अभी ड्रामा चलेगा, तुम देखने वाला बनो, सीयर बनो नॉट डूअर, देखते चलो सब अच्छा ही होगा, तुम्हारे लिए सब भलाई रखी है, दुख होएगा तो भी भलाई आएगी, सुख होएगा तो भी तुम्हारी भलाई होगी, इसमें सब बात में भलाई है, तो फ्यूचर तुम्हारे लिए कोई भी खराब नहीं होएगा। आज से ऐसा समझो जो इस सत्संग में आता है, खास करके इस सत्संग में जिसने पांव रखा उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, अ वेरी ब्रिलियंट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू, बहुत ही अच्छा तुम्हारा आइंदा सोनहरी होएगा, क्योंकि तुम भगवान की शरण जब लेता है, गुरु की शरण लिया भगवान की शरण लिया, अभी तुम्हारे लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा, तुम्हारी नजर ही अच्छी हो जाएगी, तुम देखेगा ही अच्छा, सुनेगा ही अच्छा, बोलेगा ही अच्छा, सब सच ही सच बोलेगा, सच देखेगा, इस आंख से भगवान ही भगवान देखेगा, सब में भगवान देखेगा, तो कोई भी खराब तुम्हारे लिए है नहीं, मंदा किसनु आखिए जो है ही भगवान, मंदा कोई नहीं है दुनिया में, सब भगवान ही भगवान, सब बात में तुम भगवान देखेगा, तो फ्यूचर कहां से आया, फ्यूचर में भी भगवान ही होएगा, तुम्हारी रिक्शा करेगा, जो अभी रिक्शा कर रहा है वो कल नहीं करेगा, काय का डर, किस बात का डर है, वाय फियर व्हेन आई एम हियर, वाय फियर व्हेन गॉड इज नियर, तुम्हारा भगवान तुम्हारे से भी नजदीक है, अरे मारने वाला तो बाहर से आएगा ना बंदूक लेके, लेकिन बचाने वाला इधर बैठा है, पहले से ही बैठा है, तुम्हारे से भी नजदीक अंदर बैठा है, उसने तुमको बचा ही लिया, उसने तुम्हारी रिक्षा कर लिया, तुम्हारे प्राणों की रिक्षा करता है अंदर ही अंदर, प्राणों का आधार तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही है, लेकिन तुम देह की चिंता नहीं करो, देह की दर जाएगी कहां रहेगी क्या होएगा इसका क्या होएगा, बहुत अच्छा होगा, जो प्राण बुद्ध होगी ऐसा होगा, सब बात में भलाई होगी, सब अच्छा ही है, सब राइट होता है, व्हिच सीम्स मोस्ट रॉन्ग इट इज वेरी राइट, सब राइट ही राइट होता है, लेकिन तुमको रॉन्ग देखने में आता है, हमारे से जैसे रॉन्ग कुछ होता है, नहीं इसमें बहुत भलाई होगी, सब बात में भलाई है, देखना आगे चल के फ्यूचर तुम्हारा कितना अच्छा होता है, खाली ज्ञान पक्का करो, ज्ञान में रहो 24 घंटा, ज्ञान में तत्पर रहो, तुम घर जाता है फिर अज्ञान की बातें करता है, घर जाओ तो एकदम किताब कॉपी शास्त्र कोई टेप कोई कुछ लिखो, कुछ अनुभव लिखो, किसको चिट्ठी लिखो, कोई अपना अनुभव बैठ के लिखो, किससे बात करो तो ज्ञान की बात करो, 24 घंटा ज्ञान में रहेगा तो अज्ञान की बात तुमको आएगी नहीं, नहीं पास्ट नहीं फ्यूचर आएगी, बाकी अकेला बैठेगा मन लेके बैठेगा तो मन तुमको खाएगा, मन को एक तरफ रखो, बोलो हम तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, अभी हम गुरु की बात सुनेगा भगवान की बात सुनेगा, जो सत्संग चलता है जाके घर में लिखो
जाके दूसरे को बताओ तो तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी, पक्का हो जाएगा सबक। भाई इधर एक टेप बढ़ के घर में जाके अज्ञान की टेप बढ़ेगा ऊपर से, तो नीचे वाली टेप घस जाएगी। जो भी सत्संग चलता है उसके ऊपर कोई भी टेप फिर नहीं चलनी चाहिए सारे दिन में। कोई भी ऐसा शब्द दृश्य तुम्हारे अंदर नहीं आवे, तभी तुम्हारे अंदर आत्मा टिकेगी, नहीं तो आत्मा नहीं टिकेगी। तभी राजा जनक बोलते हैं हमारे अंदर में हमारे लिए आत्मा अनात्मा है ही नहीं, दो नहीं है, जगत नहीं है, अभी जगदीश है, परमात्मा ही परमात्मा है, उसमें अनात्म कहां से आया? अनात्म भी मैं हूं, आत्म भी मैं हूं, जड़ भी मैं हूं, चेतन भी मैं हूं, पत्थर भी मैं हूं, भीतर भी मैं हूं, कहां मैं नहीं हूं, कहां आत्मा नहीं है, कहां भगवान नहीं है? एवरी थिंग इज गॉड, एवरी वेयर इज गॉड। तो अभी जगत कहां से आया, अनात्म पदार्थ कहां से आया, जड़ चीज कहां से आई, चेतन कहां से आई? जड़ चेतन का भी मैं साक्षी हूं, नहीं जड़ है नहीं चेतन है, मैं ही मैं हूं, एक ही भगवान है जो सब में भगवान देखता है। एवरी थिंग इज गॉड, एवरी वेयर इज गॉड। वो कभी देखेगा तो भगवान, भगवान के सिवाय कुछ देखेगा? भगवान के सिवाय कुछ बना है जो देखेगा? पीछे उसके लिए नहीं वर्तमान है, नहीं अनात्म है, नहीं आत्म है, केवल ही केवल ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। जो ब्रह्म देखेगा, निराकार देखेगा, वो दूसरी चीज देखेगा ही नहीं। एक ही भगवान को देखो, सी गॉड एवरीवेयर, द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड, सजी दुनिया, सारी दुनिया भरपूर है भगवान से, भगवान ही भगवान है जहां तक। नहीं बुरा देखो, नहीं अच्छा देखो, नहीं शुभ देखो, नहीं अशुभ देखो, नहीं खराब देखो, नहीं मंदा देखो, नहीं अच्छा देखो, सब भगवान है। एक ही भगवान देखने से तुम्हारी वृत्ति जो है ना खंडन नहीं होगी, शांत हो जाएगी, एकाग्रता आ जाएगी, जहां बचेगा था समाधि में लीन हो जाएगा, समाधि लगानी नहीं पड़ेगी। लेकिन जिसको संकल्प विकल्प नहीं है, किसके लिए राग द्वेष नहीं है, कोई चंगा मंदा नहीं है हमारे लिए, तो तुम जहां भी बैठेगा तुम शांत स्वरूप होके बैठेगा, तुम्हारी शांति पिटेगी नहीं, अशांति नहीं आएगी कभी। तो काम कैसे चलेगा? हाँ जब ऐसा बनो तो सही, जब हाँ हाँ पहले जड़ बनो, जो तुमको अहंकार है ना, मैं चेतन हूँ, जड़ बन जब ऐसा तुम बनेगा तब ये शरीर से भगवान आते तुम्हारे से काम लेगा। पहले पहले तो जरूर जड़ भट, कौन सा काम, यही काम लेगा, निष्काम सेवा, निष्काम सेवा तो लेगा ही, क्योंकि ये तन अगर एक मशीन है, इसको अगर हम बंद करके रखेगा दो चार महीना छह महीना तो काम ही नहीं देगी। हमारे पास एक शाहूकार ने मोटर कार मंगाई थी, बहुत सुंदर 10 लाख रुपए वाली, उसने 12 महीना नहीं चलाई, अंदर मशीन इतनी खराब हो गई, बेकार हो गई, 2000 रुपए में भी इसकी उसकी जो बिक्री नहीं हो सकी। उसको बोला कि तुमको रोज कम से कम 15-20 मिनट जरूर चला दी। हम देखते हैं जो भी कार लेता है तो उसमें पेट्रोल डाल के 15-20-25 मिनट उसको जो चलाना ही पड़ता है मशीन को। ऐसी तरह से इस मशीन को चलाने के लिए पहले हम जल भर्त तो बने, अपनी इच्छा छोड़ें, अहंकार छोड़ें, ईगो छोड़ें, उसके बाद तुम देखेगा तो जैसे तुम नहीं करता है बराबर जड़ देकर ही इससे काम हो जाएगा, क्योंकि इच्छा भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, फिर परमात्मा के शरीर को चलाता है। क्योंकि भगवान को भी एक ऐसा खाली दिल चाहिए जिसमें बैठ के और इस तन को फिर चलाए, नहीं तो हर एक मनुष्य जो है माया में डूबा हुआ है, किसी न किसी को माया को दिल में बिठा के बैठा है, अपनी इच्छा से अहंकार से रात दिन बोलता है मेरे को करने का है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मैं करूँगा, करता है तो मरता है, करता है तभी दुखी होता है, कोई बात पूरी होती है तो बराबर खुश होता है, और जो बात पूरी नहीं होती है दुखी हो जाता है, तभी बोलता है कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम माया है, इसका नाम दुनिया है। तो कितना देखो द्वैत को कितना खंडन कर दिया, आत्मा को भी बोला आत्मा भी मेरे में कहाँ है, आत्मा भी नहीं है, अनात्मा भी नहीं है, शुभ कहाँ है, अशुभ कहाँ है, शुभ भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है। तुम तो बोलेगा भाई शुभ कर्म तो करना चाहिए, अशुभ
शुभ कर्म तो छोड़ना चाहिए, शुभ कर्म तो करना चाहिए, लेकिन जो अपनी आत्मा में स्थित है उसके लिए शुभ और अशुभ भी नहीं है, मीन्स कोई कर्ता भाव है ही नहीं। तो मैं शुभ कर्म करूं या मेरे को शुभ कर्म करने का है, शुभ कर्म तो उसको करने का है जो अशुभ कर्म में जो फंसा हुआ है, उसको बोलता है भाई अशुभ कर्म से तुम शुभ कर्म को अच्छा कर्म करो। लेकिन जो आत्मा में स्थित हो गया है उसको कुछ करने का नहीं है, वो कुछ करता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जैसे प्रकृति सेवा करती है, सूरज कितनी सेवा करता है लेकिन कभी सूरज नहीं बोला है कि मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ। धरती कितनी सेवा करती है, कितना बोझ उठा के बैठी है, फिर भी फल फूल अनाज सब खाने के लिए तुमको देती है, लेकिन धरती ने कभी नहीं बोला है कि हम तुम्हारा बोझ लेके चलते, शांत में चुप में कैसा होता है। ऐसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी भी जिसको ये आत्मा का निश्चय हो जाता है वो भी शांत में कभी किसी को नहीं बोलता है मैंने तेरे को ज्ञान दिया, तुमको तो याद है ना भाई दादा ने गाली दिया, कितना याद है, जन्म में दूसरे जन्म में भी नहीं भूल सकता है। लेकिन जो जो आत्मा में स्थित है उसको याद ही नहीं रहता है गाली किसने दिया, मैंने अपने आप को गाली दिया है, हमने दूसरा कभी देखा, हम तुम्हारा शक्ल भी कभी नहीं देखा, तुम होता मैं तो अपने को ही गाली क्योंकि अपना आप समझता हूँ, तभी हमारा प्रेम है सबसे, कभी नफरत नहीं है। दुनिया में जो गाली देता है दूसरे की शक्ल, फिर उसकी शक्ल देखना भी वो नहीं चाहता है, मरने तक नफरत से उसके अंदर में कोई ना कोई द्वेष होता है, धिकार होती है, नफरत होती है, अंदर प्रेम है भाई आदमी सुधर जाए तुम मुक्त होके और अपने को बंधन में हमेशा समझता है, कितना पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, गुरु के तुम समझता है गुरु के अंदर में दुख नहीं होता है। तुम्हारा बच्चा जब खराब हो जाता है तो तुमको दुख होता है, गुरु के पास भी जो भूले से आ गया तुम सब गुरु के बच्चे हैं उसको दुख होता है, तुम ऐसे दरबार में आके भी सचखंड में आके भी तुम मुक्त नहीं होता है। भी दुख होता है, भगवान बोल रहे हैं तुम इस दरबार में आके भी जब मुक्त नहीं होते हो, दुखी सुखी होते हो, गुरु को दुख होता है। एक बार अपने से भी पूछना चाहिए कि हमें भी अपने लिए दुख होता है, हमें भी परेशानी होती है, हमें भी उलझन होती है, क्योंकि जब तक किसी को अपने जीवन के प्रति खुद दर्द नहीं जागेगा उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। गुरु भी चाहे तो भी किसी का उद्धार नहीं कर सकता है जब तक अगले को अंदर से आपको पीड़ा ना हो। आपको विचार करके अपने लिए खुद पीड़ा जगानी पड़ेगी। मुर्शिद का अर्थ बताया ना लास्ट में, दा का बता दिया दर्द। गुरु का काम है दर्द पैदा करना, गुरु आपके अंदर दर्द पैदा करता है आपके अपने ही जीवन के प्रति। आपका समय जा रहा है, आपकी जीवन जा रही है और ज्ञान के अनुसार आप मुड़े नहीं हो, ज्ञान के अनुसार आपका अंतःकरण भी पवित्र नहीं है, ज्ञान के अनुसार आपका आचरण भी नहीं है, तो ये समय की बर्बादी देख के गुरु को कष्ट लगता है। इतनी अपने अंदर जल्दी होनी चाहिए कि हम अपना उद्धार करें, हम जल्दी अपना बेड़ा पार करने में लगें। इधर ये मत सोचना कोई कृपा होएगी, पर अपनी कृपा आप पे करे, सो सेवक गुरु की मत लेवे। जो अपने ऊपर अपनी कृपा करेगा वो गुरु की मत धारण कर सकेगा, और गुरु की मत धारण करने के लिए अपनी मत छोड़नी पड़ती है, पर अंदर आदत पड़ी है अपनी मत को, वो बार बार बीच में आ जाती है, बुद्धि बार बार बीच में आती है, वो बार बार बोलती है नहीं हम तो ठीक है, हम तो ऐसा, हम तो वैसा। बहुत लोगों के मुंह से हम बात सुनते रहते हैं, मैं तो ठीक हूँ, मेरी बात ही उन तक गलत पहुँची। उस दिन कोई बैठा था, बोला मेरी बात गलत पहुँच गई आपके पास। मैंने कहा तुमने मेरे को क्या समझा है, तेरा मेरे में कौन सा एतबार है। बोला हम भगवान समझते हैं। मैं भगवान समझते हो तो भगवान गलत समझ जाएगा, भगवान को आके कोई भड़काएगा भगवान भड़क जाएगा, भगवान के सामने कोई गलत बात पेश करेगा भगवान उसको एतबार करके बैठ जाएगा। तो
तो तेरा तो गुरु में ही पूरा विश्वास नहीं है जब तुम ऐसी बात बोलते हो, और असल में तो तुम अपनी गलती को ढकना चाहते हो। जब अपनी भूल ढकनी होती है तो तुम बोलते दूसरे ने मेरी बात गलत करके पेश कर दी। क्या तुम 100% राइट थे उसमें? अकारण गली का कुत्ता नहीं भौंकता, अकारण प्रकृति में खेचल नहीं होती, अकारण तुम्हारे लिए कोई बात क्यों उठती है? कहीं ना कहीं तो दोषी हो, लेकिन बहुत अच्छा स्टाइल बना रखा है एक्सक्यूज देने के लिए सबको। किसी को जिनको ज्ञान सुनाते हैं ना, उनके सामने भी डांट पड़ जाए तो झट उनको बता देंगे, मेरी तो बात ही गलत पहुंच जाती है असल में ना, मेरी तो बात कोई गलत कह देता है। तुम इतना दूध के धुले हो तो सिद्ध क्यों नहीं हुए अब तक? लांछन तो ज्ञानी के लिए भी उठते हैं। और बड़ी बात तो ये है, तुम गुरु की बात को डिनाय करते हो और अपने आप को राइट सिद्ध करते हो। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी इंसान की? इससे ज्यादा जड़ बुद्धि क्या होगा कोई? जिसको गुरु सुजाग करना चाहता है वो बैठ के अपनी गलती समझने के बजाय, रियलाइज करने के बजाय और ही पर्दा लगा देता है कि मेरी तो बात उन तक गलत पहुंच गई, मैं तो 100% राइट था। अभी ऐसा जो बुद्धि बीच में आती है, मन बीच में आता है, ये तुम्हें कभी भी उन्नति करने देगा नहीं। ये चीज़ें जो एक्सक्यूजेज हैं इनको पहले छोड़ना पड़ता है। कल भी शाम को बैठे थे, मैंने बताया सबको गलती को रियलाइज कर लेना ही गलती का सुधार होता है, लेकिन जब तक रियलाइजेशन नहीं है सुधार तो है ही नहीं। तुम मेरे से सुधार के टिप्स मांगते हो, सुधार के टिप्स हम कहाँ से देंगे? तुम अपनी गलती को समझ जाओ, सुधार का टिप्स तो तुम्हारे अंदर से ही आ जाएगा, क्योंकि गलती होगी नहीं। अब तुम्हें पता है जहर से मौत हो जाती है, हमने बता दिया इस चीज में पॉइजन है। अब तुम बोलो आप मेरे को बचने का उपाय बताइए, जरूरत है बताने की? मुझे जरूरत पड़ेगी कि तुम्हें मैं बचने का उपाय बताऊं? तुम खुद सावधान हो। जब कोई अपनी भूल को समझ लेता है वो अपने आप ही उन्नति करता जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूल के ऊपर एक्सक्यूज देता है, जो व्यक्ति अपनी भूल के ऊपर पर्दे डालता है, जो व्यक्ति अपनी भूल का दोष दूसरों पे डालता है, वो सालों बैठने के बाद भी वहीं का वहीं खड़ा मिलता है। प्रोग्रेस है ही नहीं कोई। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने विचार किया ही नहीं है। विचार करता तो बात बन जाती। जब मालूम पड़े, अब समझो किसी के अंदर खेचल बहुत रहती है, इधर की उधर की बातों की, समझो दिमाग में मैस रहता है। पहले वो समझे तो सही कि ये मैस है, क्योंकि आप अपने अंदर चलने वाले विचारों को भी सही मानते हो कि सही तो चल रहे हैं ख्याल मेरे अंदर, ये ऐसे करता तो है, वो ऐसे करता तो है, उसने ये किया तो है, आप ठीक मानते हो, तो आप उस मैस से ऊपर उठ ही नहीं सकते। लेकिन जब आपको रियलाइज होता है मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, और ये खेचल संकल्प विकल्प की बार बार मेरी वृत्ति को ऐसे देहाकार करती जा रही है, उलझन होती है अंदर से, जब एक बड़ी बात है अंदर परेशानी पैदा होवे, जिस समय परेशानी पैदा होगी तो आप शांति का उपाय भी ढूंढोगे। अब संत साधु जिनको ज्ञान की समझ नहीं मिली थी, उन्होंने देखा जंगल में बैठ के भी, भाई अंदर खेचल जगत की तो है, चिंतन तो है, जिस जगत से आए हैं वो जगत अंदर स्फुरित तो होता है। उन्होंने उपाय क्या किया? स्वामी राम तीर्थ के पास तुम अगर कभी पढ़ा हो लिटरेचर या उनको सुना हो, उन्होंने सबको ओम का आधार दिया। उनको खुद को ओम के जाप की आदत थी, ओम का आधार दिया। उनके लेक्चर्स में भी आता है बीच में, तुम ओम जपो, तुम ओम का आधार लो। संतों ने ये चीज कहां से चुनी? जब देखा मन में चिंतन खत्म नहीं होता है जगत का, उन्होंने अपने मन को एक नया चिंतन दे दिया। अब जब मन को एक नया चिंतन दिया तो मन वहां से खाली हो गया उस मैस से।
तरीका होता है ना। अभी बच्चे मोबाइल्स खेलते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो तरह तरह की ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं बच्चों का ध्यान डाइवर्ट होए, उनको उन गेम्स खेलने में मज़ा आए, आउटडोर गेम्स में मज़ा आए, ताकि उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी हो सके। ऑल्टरनेट ढूंढे गए ना। हमारे मन में मैस है, हम सारा दिन कन्फ्यूज्ड हैं, हम अपनी बात भी पूरी नहीं रख पाते, हमको उतने में भी कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। क्या कारण है इसका? क्योंकि माइंड में इतना सारा कुछ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्या कभी हमने प्रयास की कोशिश की? क्या कभी हमने गुरु से पूछा कि मैं इसके लिए क्या अभ्यास करूं? क्या कभी हमने अपने साथ मेहनत की? बहुत अच्छा साधन है, श्वास पे ध्यान दो, उससे भी मन एकाग्र होता है। बहुत अच्छा साधन है, अंदर भजन गुनगुनाओ, उसमें भी जगत का ख्याल छूटता है। गुरु की लीला याद करो, जगत का अभाव होता है। कोई ओम का आश्रय ले लो, कोई चीज का आश्रय ले लो, कम से कम जगत की इतनी फुरना तो बंद होए अंदर। तो जो इतना जगत का हिसाब किताब अंदर चल रहा है, जो इतना चिंतन, पर चिंतन, स्वचिंतन की जगह आत्म चिंतन की जगह पर चिंतन है, उस पर चिंतन को जीतने के लिए हमने क्या किया? आप सोचते हो मैं बैठ के वाणी लिख रहा हूं, वाणी में भी डूबता कोई नहीं है, कॉपी कर देते हो, वाणी लिखने का साधन ले लिया, एक किताब से दूसरे में उतार दिया, एक पेज से तुमने अपनी डायरी में उतार लिया। नहीं तो एक एक पत्र गुरु का ऐसा है, एक एक लाइन चिंतन योग्य है, तुम्हारी तो कलम रुक जाएगी, विचार चलने लगेगा, मैं कहाँ खड़ा हूं, मेरे को क्या समझना है और मैं क्या समझाऊं, मेरे को कितना जागृत होना चाहिए और मैं कैसे अभी जड़ता में पड़ा हूं। क्योंकि किसी के भी मन को कोई उत्तर दिया गया, वो विकार किसी ना किसी रूप में अपने मन में भी है। हम सोचते हैं एक होड़ लगानी है, भई आज मैंने 4 पत्र लिख दिए गीता भगवान के, आज मैंने 10 लेटर उतार दिए गुरु जी के, उतारने के लिए किसने कहा था? ये इतना अंदर डीप में जाए कि और कोई विचार ना चले, जब आप वहां से हटो आपके अंदर वही चीजों का चिंतन हो, कोई ना कोई विचार ऐसा आ जाता है जो आपके भीतर में आपको जागृत कर देता है और आपको अच्छा लग जाता है, चिंतन बन जाता है, वो आपको एक तरह का वाक मिल जाता है पूरे दिन मनन के लिए। अब बात तो वो होनी चाहिए, लेकिन हम उस बात को ना समझ के हम लिखते हुए भी चिंतन और करते रहते हैं, या कोई बात आ जाएगी तो हमें दूसरे का कर्म याद आ जाएगा। हम अपने अंदर से भी इतने नीट क्लीन नहीं है कि हम ये सोच सकें गुरु की वाणी लिखते लिखते भी द्वैत आ रहा है मेरे अंदर, गुरु की वाणी का मनन करते करते भी मेरे अंदर पर चिंतन आ रहा है। हम क्लीन तो इतने भी नहीं हुए फिर इसका मतलब, क्योंकि इन सब चीज़ों का हमारे पास कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। जो सारा दिन पर चिंतन में पड़ा है वो ब्रह्म चिंतन में कितने बजे आएगा? सारी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। गुरु ने बोला पर नहीं देखना, और आप पर चिंतन में ही रहते हो। मना है गुरु की, सख्त मना है, दूजा भाव ना होई, दूजा नहीं देखना है, द्वैत भाव में नहीं रहना है, केवल एक ब्रह्म ऐसा निश्चय करना है। लेकिन हमारे मन में कितने कुत्ते बिल्ले मरे पड़े हैं, चेक करके देखो कितने कुत्ते बिल्ले मरे पड़े हैं। क्या बाहर से कोई नहीं बोलता तो उसके अंदर जगत नहीं है? अगर नहीं है तो उसके चेहरे पे नूर बखना चाहिए आत्मा का, उसके चेहरे पे नूर बखना चाहिए उसके अंदर के आनंद का। लेकिन मुंह पे तो 100 चीटियां चलती हैं सारा दिन, क्योंकि अंदर जगत भरा है, बाहर से ऐसा मौन होके दिखाते हैं जैसे हमारे अंदर कुछ नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन प्रयास तो शुरू करना चाहिए।
प्रयास ही नहीं शुरू करते हैं कि चलने दो जैसा चल रहा है, ऐसे बात नहीं बनती है, किसी की भी नहीं बनती है। एक डिटर्मिनेशन अंदर में करके, एक एम चुन के इंसान को उस तरफ पुरुषार्थ शुरू करना ही पड़ता है। दूसरे का स्वभाव तो पीछे देखें, पहले अपने आप को तो पता चले कि मेरा स्वभाव मेरे द्वारा जीता जा चुका है। पहले हमें ये तो पता हो, जब तक मेरे अपने स्वभाव में काण है, मुझे दूसरे का स्वभाव देखने का अधिकार ही नहीं है। अभी तो गीता भगवान ने इतनी ऊंची बात कह दी कि हमको गुरु से फायदा पड़ा, हमारी जीवन बनी, हमको महिमा गाने का अधिकार है। पर अगर तुम्हारे जीवन में ज्ञान का अनुभव ही नहीं है, तुम्हें गुरु की महिमा गाने का भी अधिकार नहीं है। कितना शर्मिंदा करता है गुरु हमें ऐसी बात बोल के भी, नहीं तो कहा तो सबको जाता है गुरु की महिमा गाओ, स्तुति में स्थिति बनती है। लेकिन आज भगवान ने कितना सख्त वचन कह दिया अपने मन को शर्माने के लिए कि अगर मैंने अपनी स्थिति नहीं बनाई, मुझे फायदा नहीं पड़ा, मैं महिमा गाने का भी अधिकारी नहीं हूं। महिमा गानी है तो पहले मुझे अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपनी जीवन साधनी पड़ेगी, अपने मन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ऐसी सख्त वाणी गुरु को क्यों बोलनी पड़ती है? क्योंकि हम बेपरवाह हो जाते हैं। हम जाके सत्संग में बोल आते हैं सारा कुछ, लेकिन बड़ी अनुभव की बात है, अगर तुम दिल से खुद गुरु से जुड़े नहीं हो, जहां मर्जी सत्संग करने चले जाओ, जुड़े हुए लोग भी दूर हो जाएंगे, गुरु से जुड़ कोई नहीं पाएगा। भले तुम महिमा गा के आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर से महिमा निकल ही नहीं रही है। स्थूल बात किसी को क्या असर करेगी? असर करेगी नहीं। सबसे पहले अपने साथ एक मेहनत है। अपने आप को सिद्ध पुरुष मानने की गलती मत करो। अपने इस शैल को तोड़ो, अहंकार से बाहर निकलो, इस अहंकार की चटनी बनाओ, खुद भी गुरु से भी बनवाओ, और आत्मा का निश्चय करके ब्रह्म दृष्टि लेके आगे बढ़ो। ये सब तुम्हारा काम नहीं है, ना तुम्हारा सेवा करना काम है, वो तो सहज होती है शरीर से अहंकार मिटाने के लिए, ना तुम्हें दूसरों को चलाने की आवश्यकता है। हर एक को अपने आप को बनाने की जरूरत है, हर एक को अपना मन मोड़ने की जरूरत है। जहां जहां तुम्हें लगे मुझे किसी से विक्षेप होता है, किसी परिस्थिति से विक्षेप होता है, वहां मुंह भी बंद कर लेना चाहिए, भले सामने वाला गलत क्यों ना हो। जब मुझे क्रोध आ रहा है, पहले मैं अपना क्रोध जीतूं, मुझे खींच आ रही है, मैं पहले अपनी खींच जीतूं। भाई समझो कोई सुबह से बैठा है, उससे वही नहीं किया है उसने, तो मुझे अगर खींच आई, प्रेरणा देना अलग होता है, खींचना अलग होता है। अगर समझ आए ना मुझे खींच हो रही है, अपने आप को बिठाओ, तिलक राज तू चुप हो, तुझे नहीं बोलना है आज। ये अभ्यास होता है अपने साथ, ये कहने के अभ्यास नहीं होते हैं, बोलने के नहीं होते हैं, ये अपने साथ मेहनत की जाती है अंदर अंदर, कि जहां मुझे विक्षेपता है मुझे वहां से हटना है, चाहे हो सामने वाला गलत, कोई बड़ी बात नहीं, होने दियो। टाइम टू टाइम अपना पता चलता है ना। आज अगर कहीं बैठ के हम किसी के लिए अपने अंदर प्यार उमड़ता देखते हैं, तो समझ आता है कि हमारे अंदर उसके लिए कुछ नहीं है। भले कभी उसके स्वभाव के लिए टोकना पड़ता है, कहना पड़ता है, लेकिन जब कभी उमड़ता है प्यार, अचानक भाव आता है अच्छा, तो समझ में आ जाता है कि अंदर खाली है हमारा, मेरे अंदर एक ना दो। तुम अपने अंदर चेक करना, तुम्हारे अंदर एक दो नहीं है। कितना एक दो पड़ा हुआ है, कितना जगत पड़ा हुआ है, सारा दिन ध्यान दूसरे में, सारा दिन ध्यान सबके कर्मों में, स्वभावों में, ये तो तुम्हें एक पनिशमेंट हो गई ना। फिर तुम्हारा गुरु के पास रहना भी एक पनिशमेंट हो गया, क्योंकि भगवान जिसको सजा देना चाहते हैं उसको मठाधीश बना देते हैं। कहते हैं कुत्ते की जूण, मठाधीश कोई होता है, कुत्ते की जूण है। कुत्ते की जूण क्यों है? एक तो सारा दिन वो भौंकता रहेगा, बोलता रहेगा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे क्यों बैठा, ऐसे क्यों उठा, ये कहाँ गया, वो कहाँ, सूंघता रहेगा, भौंकता रहेगा, कुत्ते की जूण बोलते हैं।
तो ऐसी कुत्ते की जूंड नहीं बनाना अपनी। साधक होके चलो, ब्रह्माकार वृत्ति वाले होके चलो। ध्यान रखो इस बात का, मैं स्वयं एक साधक हूं। भगवान हम लोगों को बोलते थे किसी दीवार पे लिख के रख दो, क्या मैं साधक हूं। थोड़ी थोड़ी देर में अपने से सवाल करो, क्या मैं साधक हूं, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें साधना के प्रति कितना जागृत होने की जरूरत है। क्योंकि तुम्हारे मोस्ट ऑफ द टाइम कर्म, तुम्हारी वाणी बिना विचारे हुए होते हैं। कर्म भी बिना विचारे, वाणी भी बिना विचारे। जबकि कहा गया 32 बार सोच के बोलो, शायद एक बार भी नहीं सोचते हो। और अगर सोचते हो तो इतनी कनिंग वे से सोचते हो, इसको कैसे घुमा के ताना मारूं, कैसे घुमा के इसको ये बात बोलूं, कि कोई बात हो तो मैं कहूं मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था, पर बात भी कह दूं। ये नहीं विचारना होता, विचारना ये होता है क्या मेरे बोलने की आवश्यकता है, मुझे बोलने की जरूरत क्यों लग रही है, मैं क्यों बोलना चाहता हूं, मैं क्यों टोकना चाहता हूं, मुझे विक्षेपता तो नहीं हो रही है, मैं सिर्फ अगले के भले के लिए एक शब्द कहना चाह रहा हूं। जब इतना सब कुछ 32 प्रश्न विचार लोगे, मौन तो सहज आ जाएगा, अंदर वाला कहेगा चुप बैठ, अभी तेरे को अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की बहुत जरूरत है। तूने देखा ही क्यों किसी का कर्म, देखा ही क्यों दूजा तूने, इतना अपने साथ मेहनत करने की जरूरत होती है। ये मार्ग हरेक को अपने आप पार करना है। भगवान हमेशा कहते हैं कि जैसे सागर के लिए तुम्हें चलो नाव मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगा, पर भव सागर हरेक को अपनी बाहों से तैर के पार जाना है, इसमें कोई और चीज काम नहीं आएगी। अपनी बाहों से तैर के तुम पार जाएंगे, तुम अपने आप के उद्धारक बनो, अपने सुधारक बनो। दुनिया के सुधारक बनने की जरूरत नहीं है, सबका उद्धार करने के लिए भगवान बैठा है और सुधारने के लिए गुरुवाणी दे रहा है। सबको अंदर से अपने आप प्रेरणा आएगी, हर एक अपने को संवारेगा। मेरी नज़र में कोई गलत है, ऐसा नहीं कि वो गलत है ही, मेरी नज़र में गलत है तो मुझे अपनी नज़र ठीक करनी होगी। जब ये ऑपरेशन कराने जाते हैं जो लोग मोतिया का, उनसे पूछो, उनको सूरज काला दिखता है, उनको दुनिया में अंधेरा दिखता है। पीछे जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपकी आंख में मोतिया आ गया, फिर उस मोतिया की सर्जरी होती है, सर्जरी हो जाती है तो फिर ठीक हो जाता है, फिर बढ़िया हो जाता है दिखना, फिर नॉर्मल दिखने लगता है। पर अगर वो सोचे सूरज काला हो गया, चलो मैं ना एक वाइपर लेके, पानी का पाइप लेके, सर्फ लेके सूरज को धो के आता हूं, मैला हो गया शायद, काला काला दिखता है, होगा कुछ? खुद ही जल के राख हो जाएगा जब तक उसके नजदीक पहुंचेगा, इतना ताप है उधर, फायदा नहीं ना। क्योंकि सूरज काला नहीं है, तुम्हें काला दिखता है, तुम्हारी आंख का दोष है। है तो सर्वत्र परमात्मा, आई भगवान, गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, उसी भी राम, है तो भगवान सर्वत्र। तुझे दूजा दिखता है, तुझे गलत दिखता है, तेरे को कर्म दिखता है, तेरे को स्वभाव दिखता है, तो तेरे ऑपरेशन की जरूरत है, तेरे एटीट्यूड्स को ठीक करने की जरूरत है, तेरी सोच को ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते, एक बार मन भला हो जाए कोई बुरा देखने में आता नहीं है। अपने अंदर का अहंकार सबको बुरा दिखाता है, गलत दिखाता है, मेरे से ये भी गलत चला, मेरे से वो भी गलत चला, मेरे से उसने हेरा फेरी की, दुनिया सारी बड़ी चलाक लगी पड़ी है, ये सब बकवास है तुम्हारे मन की। सारी दुनिया इतनी फ्री नहीं बैठी कि वो तुम्हारे ही स्वभाव देखती रहे, तुमको चीट करने की सोचती रहे, तुमसे होशियारी करती रहे, और इतने तुम फन्ने खां हो भी नहीं कोई, ना तुम इतने बड़े कोई बिजनेसमैन हो, ना इतने कोई ब्यूटीफुल हो, ना कुछ नहीं है ऐसा, कोई इतना विशेष नहीं हो, तुमसे अच्छे अच्छे पड़े हैं संसार में। सारा दिन खाम खाम मन ऐसे रोने रोता रहता है, मेरे को ही सारे बुद्धू बनना जाते हैं, और तुम बुद्धू बनने वाले हो,
एक बार अकेले में बैठ के अपने से पूछना, तुम बुद्धू बनने वाले हो? नहीं हो तुम। मैं ना दूसरे को देख के अब होशियारी सीख गया ना, तुम होशियार पहले थे, तुमने एक पैंतरा और सीख लिया। सच सुनने की हिम्मत रखो, मेरे साथ पर्सनली बैठो, हम तुम्हारे बालों की खाल तक निकाल के दिखा देंगे। झूठ बोलते हो, सब सब बातें करते हो, अभी भी लिखा है किसी ने, पर दुनिया ना चलाक बना देती है, कोई नहीं चलाक बनाता। चलाक तुम पहले से हो, हाँ एक आधा पैंतरा जो मिस था वो तुमने उसको देख के और सीख लिया। अब तुमने कहा देखो मैं भी ना दुनिया में रह के अब सीखा हूं चालाकी, झूठ, पहले से ही चालाक हो, एक आधा पैंतरा मिसिंग था बल्कि वो और हो गया। तुम्हारे वो जो मेकअप किट में एक आध चीज कम होती है ना किसी की देख के, मैं भी ले आया, यही नहीं था, मेरी मेकअप किट अधूरी थी इसके बिना। वो जो हथियार रखते हैं वो सोचते हैं ये वाली बंदूक नहीं थी बाकी, ये AK-47 नहीं था बाकी, ये भी आ गई, अब मेरी खेप पूरी हो गई वेपन्स की। तो चलाकियों की खेप पूरी हो गई, एक दो चलाकियां और सीख ली, एक दो पैंतरे और सीख लिए, ये सब बकवासबाजी है। एक पोची लगाओ, आई भगवान, बात खत्म। क्यों नहीं उड़ते हो हवा में, क्यों नहीं रहते हो आनंद में? क्योंकि अंदर बहुत जगत का विस्तार है, बहुत बहुत कुछ पड़ा हुआ है अंदर। और ये भी तो एक टॉन्ट होती है मेरी, फिर बात जी गलत पहुंच जाएगी, मैं इसलिए मुंह नहीं खोलता, ये भी तो एक टॉन्ट है, होशियारी है ये भी एक। अंदर तो जगत भरा पड़ा है, दुनिया भर का भरा है, खाली करो उसको। क्यों सारा दिन मन दूजे में पड़ा है, क्यों सारा दिन मन पदार्थों में पड़ा है, क्यों सारा दिन मन द्वैत में पड़ा है? ज्ञानी भी तो कह रहा है देखते हुए भी नहीं देखता हूं, तेरे आगे भी पूरी हलचल होवे तुझे कुछ दिखे ही ना, आए तो ये वाली प्रैक्टिस करने हो। अभी भगवान ने शुरुआत में ही पकड़ा कि कोई आया बोला भगवान आप अहमदाबाद कब चलेंगे, बोला आया था शहर भुलाने नाम रूप भुलाने, फिर वही वाली बात मेरे से कर रहा। तुम भी पूछो तुम क्या करने आए, क्या करने आए थे? आए थे जगत भुलाने, कर्म स्वभाव भुलाने, अपना नाम रूप भुलाने, आए थे एक भगवान देखने। क्या देख रहे हो? दुनिया से भी ज्यादा कर्म बना रहे हो। एक भगवान देखने आए थे ना, देखो और कुछ क्यों देखा? जगत भुलाने आए थे ना, भुलाओ, क्यों नहीं भूलता तुम्हें अपना जगत? क्यों नहीं अंदर से चलाकियां होशियारियां खत्म होती? देखो वही काम खुद करोगे तो अच्छे, दूसरा करेगा तो बुरा। तुम वॉक करने जाओ, तुम हेल्थ कॉन्शियस हो, दूसरा वॉक करने जाए काम चोर, उसको काम छोड़ के बस वॉक करने जाना होता है। तुम हारमोनियम सीखो, कलाकार, बड़ा भाव है तुम्हारे अंदर गुरु के लिए, हारमोनियम पे भजन सुनाओगे, दूसरा बजाए तो ऐसे टाइम पास करता है बैठ के, काम ना करना पड़े कोई। ऐसी ऐसी जो विचारधाराएं हैं ये कहां ब्रह्म ज्ञान में सक्सीड होने देंगी, कहां ब्रह्म ज्ञान में उन्नत होने देंगी? विचारधारा कैसी है, कैसा सोचते हो, कैसा ख्याल करते हो, कैसी तुम्हारे अंदर मन की अशुद्धि है? देखो मन शुद्ध है, इनोसेंसी ऐसी होनी चाहिए, कोई काम चोर होके भी ऐसा कर रहा हो तुम्हें काम चोरी की तरफ ध्यान ना जाए, तुम तो उसकी बात को मान के और शांत हो जाओ, इनोसेंसी ऐसी चाहिए अगर ज्ञान में आगे बढ़ना है तो। ऐसी इनोसेंसी की जरूरत है। जब उदा ने इल्जाम लगाया, भाई को भड़का के ले आई, मीरा अंदर पर पुरुष से बात करती है, तलवार लेके वो आ गया अंदर, मीरा ने झगड़ा खड़ा किया, कोई नंद से लड़ाई की, शोर किया, सच्चा व्यक्ति शांत है, देख लो मैं क्या कर रही हूं अंदर, मुझे क्या करना। और तुम्हारा मन सारा दिन दूसरों के कर्म और स्वभाव ही गिनने में लगा हुआ है, कब सुमरोगे राम? तेरी अपनी स्थिति कब बनेगी आत्मा में, कब तेरे अंदर केवल राम रहेगा? सोच के देखो,
खुद वही काम हम करते हैं, दूसरे के काम को पॉइंट आउट करते हैं। और संत ने गुड़ खाना पहले खुद छोड़ा था, फिर बच्चे को बस प्यार से बोला बेटा गुड़ नहीं खाओ, फिर भी टेंशन नहीं ली, दोबारा नहीं गया उनके घर पूछने अब तो गुड़ नहीं खा रहा इस मुए के चक्कर में, तो मैंने छोड़ा था गुड़ खाना, ये खा तो नहीं रहा। अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है पहले खुद परहेज में आ जाओ, और आने के बाद भी किसी को देखने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। जिसको जो ठीक लग रहा है, जैसा ठीक लग रहा है वो कर रहा है, वो चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो। आज कुछ लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ के लिए नहीं होती है। अपने वाला हो उसको दूसरे की हेल्प से भी करा के देंगे, तू बैठ जा, तू खा ले, तेरे को कोई चाय बना देगा। मैं किसी को बोलता हूं, किसी और को भी तो ऐसी नीड हो सकती है, तुम्हें अपना मोह भी नहीं पता चलता, तुम्हें अपने अंदर का अहंकार विकार भी नहीं पता चलता, तुम्हें अपने अंदर का द्वैत भी नहीं पता चलता। सत्संग क्या है बाकी, जब मैं एक को करा के दे सकता हूं दूसरे को भी अधिकार है। या तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने सहित सबके लिए, फिर देखें हम तुम्हें, फिर माने तुम्हारा ज्ञान, लेकिन है कुछ भी नहीं। हर कोई जो सेवा लेता है, जो औदा हो जाता है, उसका एक नाजायज फायदा उठाता ही उठाता है। अभी भी क्लीनलीनेस नहीं कह सकते, जो भी किसी सेवा में आगे होता है वो अपने आप को थोड़ी छूट दे देता है, हमें ये छूट है कोई बात नहीं, हम ये नहीं करें चल जाएगा, हम कानून ना माने चलेगा, ये भी तो क्लीनलीनेस तो नहीं हुई ना अंदर की, ये क्लीनलीनेस तो नहीं हुई। सब लोग एक जगह बैठे हैं, सत्संग चल रहा है, चर्चा चल रही है, हम तो सेवा में रहते हैं ना, हम तो फलाना काम कर रहे थे ना, क्यों तुम कायदे में नहीं चलोगे, एक समय है भोजन का तुम उस समय नहीं, हम बाद में आगे पीछे आ जाएंगे, हम तो अभी ये कर रहे हैं, हम तो अभी वो। हर कोई देखता हूं मैं फायदा उठाता है, एक थोड़ी सी सेवा करके भी हर एक अपने आप को सोचता है अब मैं ये मेरे को अलाउड है, मैं ये रूल तोड़ सकता हूं, मैं ये नियम तोड़ सकता हूं, मैं भी तोड़ सकता हूं, जिससे मेरा प्यार है उससे भी तोड़वा सकता हूं। ये चालाकी है कि नहीं है? क्या आप इसको कहोगे अंतःकरण की शुद्धि? क्या आप भाई मंज की तरह सेवक हो जो सुबह 4 बजे उठ के सब सर्दी में रजाई में सो रहे हैं, वो ठंडे पानी से फर्श धो रहा है, उसके बाद भी गुरु उसको कह रहा है हमारे यहां खाता तो है, अजूरा तो खाया, बेचारे ने फिर अपना लंगर अलग पकाया, ऐसी गुरु ने कढ़ाई से घड़ा उसको। तुम सोच के देखो तुम अपने आप को कितनी जगह छूट देते हो, बहुत छूट देते हो अपने को कि मुझे तो अलाउड है ना, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी लग गई है तो मैं अलाउड है। ये सरकारी नौकरी वाले होते हैं, काम भी नहीं करते टाइम पे, खा पी रहे हैं, कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, सरकारी नौकरी वाले करते हैं ना, तुम अपने आप को छूट देते हो, ये भी तो तुम्हारा पाप है, ये भी तो तुमने अजूरा खाया, क्यों छूट दी अपने को? तुम्हें पता होना चाहिए कि सेवा का अर्थ ये नहीं है कि मैं छूट ले लूं, कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए भी नहीं होनी चाहिए। और अगर मैंने अपने को छूट दी है फिर मैं किसी को रोकने का टॉन्ट करने का अधिकारी भी तो नहीं हूं, फिर मैं फालतू बोलने का भी तो अधिकारी नहीं, पहले अपने गिरेबान में तो झांकूं। हर एक व्यक्ति सोचता है हम दूसरों को साध के डिसिप्लिन्ड बना दें, जो डिसिप्लिन्ड नहीं है वो डिसिप्लिन खड़ा कर भी नहीं सकता। किसी को डिसिप्लिन में लाने के लिए पहले आपको खुद डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है, पहले आपको अपने आप को मोड़ना पड़ता है, पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, पहले आपको अपने मन को साधना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं होता है। अगर हम अपने आप को नहीं बनाते हैं तो वैसे भी हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं है ज्ञान का, अपने मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम, क्योंकि कठिन में कठिन काम होता है अपने आप को अनुशासन में चलाना, कठिन में कठिन काम है। आप देखो जहां अनुशासन होता है इंसान वहीं से कुछ हटना चाहता है,
स्कूल में नालायक लड़के प्रीफेक्ट बनना चाहते हैं, क्यों? ताकि हम सबको चलाएं, हम तो अपना नॉन डिसिप्लिन रहेंगे। मॉनिटर बनना चाहते हैं, ये नहीं वो सेवा करना चाहते हैं। अंदर पाप बैठा है, अंदर चोर बैठा है। ऐसी जान अनुशासन की बात आती है, मन तुम्हारा अलग जाना चाहता है दिशा में, अलग जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में एक अहंकार भर के बैठा हुआ है, एक मैं भर के बैठा हुआ है। मैं तो मॉनिटर हूं, मैं तो दूसरों को सिखाने के लिए हूं, मैं तो बस डंडा चलाने के लिए हूं दूसरों पर। ये उसकी सोच उसको सबसे पहले अनुशासनहीन बनाती है। और यहां पर अनुशासन किसी भय से नहीं, अनुशासित अपने लिए अपने को किया जाता है, क्योंकि तन के अनुशासनहीन होने में रोल तो अपने मन का ही होता है, अपने मन का ही तो रोल होता है। सुबह आंख खुलेगी, मन कहेगा अभी थोड़ी देर सो जाओ, अभी तो और लोग भी नहीं उठे हैं, तूने क्या करना। अनुशासनहीन कौन बनाता है? अरे ठीक है, हम बाद में खा लेंगे जाके, आज हमको ये नहीं खाने का है। अनुशासनहीन कौन बनाता है? आप कभी विचार करो, आपका मन आपको अनुशासनहीन बनाता है। और अगर आप इस मन को कसना सीख जाओ, आपका तन तो अपने आप ही अनुशासन में चलता है। अब ये समझ अपने अंदर चाहिए होती है, कोई बाहर से कितना चला लेगा तुमको अनुशासन में, आखिर छोड़ देना पड़ता है, कोई फायदा नहीं बोलने का। लेकिन एक अपने आप को पता हो, ये बातें हम लोगों ने दादा भगवान की भी सुनी, गुरुजी से भी सुनी, गीता भगवान के बाद भगवान बोलते थे हम खुद उनका भय रखते हैं अपने अंदर। मुझे मालूम है मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन हम खुद उनका भय रखते हैं अपने अंदर। सो ही आज हम लोग भी ध्यान रखते हैं कि अगर हम उनके सामने जैसे चलते थे, अभी भी हमको वैसे ही चलने का है। जैसे उनके शहर में रहते थे, घर आके सोचते थे वैसा ही रहना है, आज भी लगता है वैसा ही चलना है। अनुशासन, संयम, ये अंदर से उठने वाली चीजें हैं, बाहर से आरोपित करने वाली चीजें नहीं है। किसी की वजह से कोई संयम करेगा तो वो इंतजार करेगा अगला हटे तो मैं अपने असंयम में वर्तूं, ये हालत मेरे ऊपर से हटे तो मैं असंयम में वर्तूं। अनुशासन का भी यही हाल होता है, जब हम किसी के डर के मारे अनुशासित हैं तो हम इंतजार करते हैं ये हटे, हम अपनी अनुशासनहीनता में आए, हम अपने शोर में आए, हम अपनी खेचल में पड़े, हम अपनी चुरपुर शुरू करें। तो अनुशासन और संयम ये भीतर से उठना चाहिए और अपने लिए होना चाहिए। हमको समझ आना चाहिए ये चीज अच्छे के लिए है, तब हमारा ध्यान दूसरे में नहीं जाएगा कि ये व्यक्ति भी तो ऐसा कर रहा है, मैं भी कर सकता हूं। ये चीजें अपने लिए होनी चाहिए, अपने आप को पता होना चाहिए हम एक राइट ट्रैक पे चलें, हम एक राइट वे में चलें, हम अपने आप को साध के अपना आदर्श अपने लिए बनाना होता है, अपना आदर्श लोगों के लिए नहीं बनाना होता है। ये भी एक बड़ी गलत फहमी हो जाती है, हम दूसरों के लिए मॉरल बने, आइडियल बने, नहीं बन पाओगे। जो अपने लिए खुद आइडियल नहीं है वो दूसरों के लिए क्या आइडियल बनेगा भाई? जो अपने शौक से अनुशासित नहीं है वो दूसरों को दिखाने के लिए कितने दिन अनुशासन में चल लेगा? पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं चोर उसका पकड़ा जाएगा, फायदा नहीं है। अपने आप को पता होना चाहिए। आज आपको खुद को शौक है मोबाइल का, तो आप सोचोगे जब कोई ना हो, रात को जब बत्तियां बंद हो जाएं, मैं चादर में छुप के मोबाइल चला लूं। अनुशासन ही न हो क्योंकि अंदर से। और एक व्यक्ति अनुशासित है, उसको सारा दिन याद भी नहीं है कहाँ पड़ा, बजता है तो उठा लेते हैं, पड़ा रहे नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। कल परसों भी कोई आए थे बाहर से, आप तो आजकल मैसेज भी नहीं पढ़ते हैं, आप तो ऐसा। मैंने कहा देखो इतना मेरे ऊपर दंड मत रखो, तो हम इतना दिमाग नहीं रख सकते इन चीजों में। आता है दिमाग में, पढ़ भी लेते हैं, ध्यान आ जाता है तो,
नहीं आता तो अब सारा दिन हम ये चिंतन पाल के नहीं रख सकते कि इतने बजे किसी ने मैसेज किया उतने बजे मुझे पढ़ना है। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो दो दिन भी नहीं पढ़ा, कोई खास बात नहीं है ना। अपने आप को हटा लो कहीं से तो हटा लो, दूसरों के कारण कौन हटा पाएगा अपने को, कोई यूज भी नहीं होगा। भाई कोई देख रहा है इसलिए मैंने हटना है एक चीज से, फायदा ही नहीं। और फिर तुम्हारी ज्ञान की स्थिति क्या हुई, सोचने वाली बात है। उधर तो वो शिष्य को दिया कबूतर मार के आओ, ऐसी जगह जहां कोई ना देखता हो। दो शिष्य थे, एक तो गया मार के लौट के आया, ये लो गुरु जी कबूतर एकांत में जाके मार दिया। दूसरा शाम को आया जिंदा कबूतर लेके, गुरु के आगे कबूतर रखा, हाथ जोड़ा, मैं आपकी इस आज्ञा को नहीं मान सकता हूं, मान नहीं पाया, माफ करना मेरे को। हुआ क्या, तेरे को कोई अकेली जगह ही नहीं मिली पूरी दुनिया में? बोला जहां भी जाता था कबूतर की आंख से और मेरी आंख से भगवान देखता था, नहीं मिला एकांत मुझे, मुझे कोई जगह ही नहीं मिली जहां से मेरी आंख में से भगवान ना झांकता हो और कबूतर की आंख से भगवान ना झांकता हो। मैं जिधर भी गया कबूतर की आंख से भगवान जागता था, मेरे भीतर से भगवान झांकता था, मेरे को शाम हो गई है, मैं आ गया हूं ये कबूतर जिंदा लेके। गुरु ने बोला ज्ञान का हकदार तू ही, दूसरा कोई हकदार हो नहीं सकता ज्ञान का। तो जब तुम मन में भी कुछ सोच रहे हो, तुम सोचते हो कोई नहीं देख रहा, क्यों नहीं देख रहा, साखी सुजाग भीतर बैठा है, देख कैसे नहीं रहा है। तुम अंदर अंदर गलत सोचो, गलत ख्याल करो, पाप कमाओ, कोई नहीं देख रहा, सत्य स्वरूप भगवान बैठा है तेरे ही अंदर, साखी सुजाग होके बैठा है, होशियार होके बैठा है, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। कौन बैठा है तेरे घट में, कौन जान रहा है? धोखा देते हो तुम, अपने आप को धोखा दे छोड़ते हो, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा, ऐसे कैसे नहीं, तेरे अंदर वाला सब कुछ जानता है, सब जानता है भीतर वाला, एक टके की हेरा फेरी को भी अंदर वाला जानता है, एक छोटे से गलत ख्याल को भी अंदर वाला जानता है, बहुत नाजुक है, परम प्यारे दा मुखड़ा बहुत नाजुक। गोपी ने बोला ना कि मैंने एक दिन कृष्ण के तस्वीर को ऐसे चूम लिया था, यहां आके देखा इसको नील पड़ा हुआ था। तो बोला ये कैसे? बोला परम प्यारे दा मुखड़ा बहुत नाजुक, इतनी सी चुरपुर से भी अंदर बैठे भगवान को तकलीफ हो जाती है, ये आनंद स्वरूप भी हलचल में क्यों है? आनंद घन भगवान अभी शोर में क्यों है, घोर शोर में क्यों है? शांत स्वरूप घोर शोर में कैसे बैठा है? तकलीफ हो गई ना उसको अंदर, इतनी सी चुरपुर से भी उसको तकलीफ मच जाती है अंदर, तू पहचानते ही नहीं। लेके चल रहे हो बोझ, मनों का मन बोझ है सबके मन में, और है दूसरों का, सब दूसरों का कूड़ा लेके चल रहे हैं, दूसरों की विष्ठा उठा के चल रहे हैं, तुझे क्या करना? काय बार बार अपने ऊपर दूसरे की विष्ठा मल मल के धोता है ऊपर, सारा दिन दूसरों का कचरा ही तो मलते हो, दूसरों का थूक खाने का तुम्हें क्या जरूरत है, गंध खाने की क्या जरूरत है? ये कौवे वाली वृत्ति, इसी को गुरु हंस वाली वृत्ति बनाता है। संतां दे नाल रह रह के मैनू भूल गई कागां वाली टोर, नी मैं हो गई और दी और, ये कौओं वाली चालें छोड़नी है। ये काग वृत्ति से हंस वृत्ति, हंसा चाले मान सरोवर, हंसा ये इधर उधर डोलेगा क्या, ताल तलैया क्यों डोले, हंसा तो चाले मान सरोवर, अरे हंस है तो मान सरोवर चल, वहां चल के तू मोती खा, गुणों के मोती खा चुन चुन के, आनंद के मोती बीन बैठ के, तू क्या खाने में लगा हुआ है? ये कौआ पन्ना छोड़ना पड़ेगा ना, कौआ बाहर से काला है क्योंकि खाता ही काला है, गंध खाता है, हंस मोती खाता है सफेद हो गया,
पता है तुमको तुम्हारे आहार का तुम्हारे चेहरे पे फर्क पड़ता है। आहार कैसा खाते हो? देखो जो लोग नॉनवेज खाते हैं पीते हैं, चेहरे देखा कैसे हो जाते हैं। जिन लोगों को कीमो चढ़ती है देखा चेहरे काले पड़ जाते हैं, सांप का जहर गया ना अंदर। जो आहार हैं, जो विचार हैं, वो चेहरे पे आते हैं। पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर विचार अच्छे होंगे तो, चेहरा दमकेगा, खुशबू आएगी तुम्हारे चरित्र से। वो कौवे ने सारा दूसरों का गंध खा खा के जो लोगों ने थूका उसने खाया, काला हो गया, वाणी भी कर्कश हो गई, शरीर भी काला हो गया, जहां जाता है लोग भगाते हैं, भाग यहां से, काऊ काऊ करता है। तुम्हारा मन सारा दिन काऊ काऊ नहीं करता? जितना गंध खाता है दूसरों का उतना काऊ काऊ करता, उतना शोर है मन में, सारा दिन काऊ काऊ चलती रहती है। और दादाजी बोलते हैं मेरे दिमाग की कोई एक्सरे निकालो तुम्हें कोई विचार ही नहीं मिलेगा, खाली है मेरा दिमाग। तुम खाली क्यों नहीं है? तुम्हारे अंदर कैवल्य आनंद क्यों नहीं है? जहां सन बंद है इंसान वहां से भी छूट के आया कि मेरे कर्म ना बने, और अभी तुम और कर्म बना रहे हो, और संबंध जोड़ रहे हो, और व्यर्थ की खेचलों में पड़ गए हो, फायदा क्या? होश करो, बेहोशी में जीवन जा रहा है। मैं आप ब्रह्मानंद मैनु वेद गाऊंगा, मेरी स्थिति वो होनी चाहिए, मुझे अपने अंदर निश्चय हो मैं ब्रह्मानंद हूं, रोम रोम से आनंद छलकना चाहिए। वाणी की कर्कशता भी तुम्हारे मन का विकार है। लोग बोलते पता नहीं हम गलत बोल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। कमाल है, वाणी तो चौथी पीढ़ी है, फोर्थ स्टेज है जहां वाणी बोली जाती है, अंदर संकल्प उठता है, निश्चय होता है, सोचते हो बोलने का, वे ढूंढते हो, वाणी तो चौथा स्टेप है। और तुम कहते हो पता ही नहीं चलता हम बोल जाते हैं। ये मन में जो पड़ा है वाणी उसका प्रतिरूप है। मन में जो चल रहा होता है, मन में जो कूड़ा भरा पड़ा है, मन में जो चिंतन चल रहा होता है, वाणी तो वही निकलती है। कैसे बोल सकते हो नहीं पता? मैंने यही तो बोला ना, जबरदस्ती अंधे होने की एक्टिंग करते हो सब, हो नहीं अंधे, क्योंकि अपने विकारों के लिए अंधे हो जाते हो, दूसरों के लिए तो सुजागो, तो अंधे तो नहीं हुए तुम। इसका मतलब अंधे ने रुपया उठा के ठीक से रख लिया, बाहर गिर गया था कटोरे के, आदमी ने बोला तू अंधा तो नहीं है? बोला नहीं नहीं वो जो पहले वाला अंधा है वो पिक्चर देखने गया, वो भी अंधा नहीं हुआ। बोला एक्चुअली वो भी किसी की जगह ड्यूटी पर था, वो एक्चुअल अंधा जो है वो अखबार पढ़ने गया। अरे अंधा तो वो भी ना हुआ? बोला किसी जमाने में अंधा बैठता था कोई, पगड़ी दे के हम लोग जगह खरीदते हैं, कमाई बोते हैं, अंधे बन बैठते हैं। मन आपको बार बार उकसाता है अंधा बन बैठ, ऐसे दिखावा कर, मैं तो सीधा सा सरल सा, मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं। पगड़ी दे के जगह लेते हो ना अंधे होने की, एक्टिंग एक्टिंग चल रही है, सब एक्टर्स हैं बढ़िया, अंधे होने का दिखावा करते हैं, पता नहीं कैसे निकल गया, पता नहीं ये कर्म कैसे हो गया तुम्हें, और पता नहीं। एक बार अपने से अकेले बैठ के ना अपने को विचार दो, मुझे पता नहीं चला, तुम्हें अंदर वाला ही शर्मिंदा करेगा, काला मुंह कर देगा, कहेगा लानत है तेरे को, झूठ बोलता है, तुझे नहीं पता, तुझे इर्द गिर्द 100 का पता है और तुझे अपना नहीं पता, सब पता है तुझे, झूठी बात। एक्टिंग करनी सीख गए हम अंधे होने की भी, लेकिन जो अंधे होने की एक्टिंग कर रहा है वो अपना विवेक मार रहा है,
वो अपनी स्थिति खराब कर रहा है। और भी हम विश्वास नहीं करते किसी की बात पे, ऐसे अननोइंगली हो गया। अननोइंगली तुमने मच्छर तो नहीं खा लिया? खा लिया क्या? अननोइंगली सिरका तो नहीं पी लिया? और अननोइंगली कुछ नहीं होता तुमसे, सब तुम्हें पता होता है। अननोइंगली तुम किसी का पेन उठा लाते हो, अननोइंगली अपना पेन तो नहीं दे आते किसी को, वो देने से पहले सुजाग रहे ढक्कन अपने पास रखते हो, वापिस करेगा वो नहीं तो मेरे को तो याद रहेगा खाली ढक्कन है, पेन मांगना है, दूसरे का उठा के दे, ध्यान ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा। अननोइंगली दूसरे की चीज उठाते हो, अननोइंगली अपनी तो नहीं दे आते, किसको कह रहे हो अननोइंगली? सब नॉलेज है तुम्हें, इतने ही तुम अननोन हो, इतने ही तुम भोले हो। कोई रात वाली सब्जी दे दे, सुबह वाली दे दे, फ्रेश खत्म हो गई क्या? ये क्या दिया है मुझे, तो कल वाली है। अननोइंगली चलते हो तुम लोग, कोई नहीं चलता अननोइंगली ना पागल। दूसरों को तो क्या बनाओगे, अपने को बना रहे। जुराब से मुंह साफ किए किसी दिन अननोइंगली? रुमाल से पैर साफ किए किस दिन अननोइंगली? अननोइंगली एक वर्ड मिल गया सबको, अननोइंगली हमसे ये कर्म हो गया, अननोइंगली हमसे बोला गया, और ज्ञान के बाद अननोन रहना ये तो और बड़ी बेवकूफी है। ज्ञान के बाद अनजान रहना किस काम का? ज्ञान के बाद कोई बोले मैं अनजान हूं तो और गंदी बात है। अरे भाई ज्ञान सुजागी का, किसने कहा ज्ञान के बाद अनजान रहो, और वो भी अपने विकारों से? दूसरों से हो जाओ अनजान, शाबाश है, लेकिन दूसरों से नहीं अपने से अनजान की बात करते हैं। किस दिन कहो किसी ने कुछ किया, मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा, मेरे को तो याद ही नहीं, मेरा नहीं दिमाग ही नहीं चला, मेरा मेरा काम हो गया था, मेरा ध्यान नहीं गया। किस दिन तब मैं मानू अननोइंगली चलते हो तो? सबका रिकॉर्ड है, सबकी बातें चिट्ठे लिखे पड़े हैं छाती पे, छाती का एक्सरे निकलवा के देखो, कई काले अक्षर लिखे होंगे, डॉक्टर ही हैरान हो जाएगा ये इंप्रेशन किस चीज के हैं भाई, क्या लिखा हुआ है इनके अंदर, कौन सी लैंग्वेज है ये, क्योंकि मन पढ़ा लिखा तो है नहीं, लेकिन लिखा सारा कुछ है, सब पढ़ा है अंदर। क्यों धोखा देते हो अपने को अननोइंगली कह के? सबको सब कुछ पता है, और खासा पता है, अच्छा खासा पता है। पीने का पानी लेने कभी बाथरूम में नहीं गए हो, मैं अनजाने में चली गई, सुजागी है, आधी रात को भी आंख खुले तुम्हें वॉशरूम ढूंढना नहीं पड़ता, पता है नपे हुए हैं पैर, आंखें बंद करके भी चलते रहते हो कई बार कि मेरी आंख न खुल जाए, आंख खोलता ही नहीं, पूरी क्रिया कराते हो, हाथ तक धोयाते हो, लाइट तक ऑफ ऑन कर लेते हो, अंदर तो साखी इतना सुजाग है, नींद में भी चलता है, क्या बात करते हो? ये कहो इतना सुजाग वृत्ति रखने की आदत ही नहीं डाली है। अगर हम अपनी वृत्ति को सुजाग रखें तो बात बन सकती है। हम अपनी वृत्ति को अगर कोशिश करें सुजाग रखने की, हम हर कदम पे सुजाग रह सकते हैं। आज तक किसी ने रोटी नाक में या कान में नहीं डाली, मुंह में ही गई है, बताओ? अननोइंगली खाली गलतियों को ही तो कह रहे हो, और तुमसे कोई गलत करे तुम अननोइंगली बैठे रहो? नहीं, जो खुद गलती करते हो उसके लिए एक ढक्कन है अननोइंगली। हो गया, मुझे खुद भी नहीं पता कैसे हो गया, ये सब अपनी गलतियां ढकने का तरीका है, और यही हेरा फेरियां नुकसान करती हैं। गुरु को दुखी यही है कि ऐसी सच्ची दरबार में आने के बाद भी सच्चे नहीं हो पा रहे हैं,
साफ नहीं हो पा रहे, पता नहीं कौन सा रस आता है, झूठ में, कपट में, कौन सा रस आ रहा है, हैरानी की बात है। जबकि इसमें तो जीवन भारी होता है, दुश्वार होता है जीना, कचरे में ऐसे लगता है भाई हम साफ रहें, खाली रहें, हम हवा में उड़ें। जब मेरे पास बाहर का कोई परपंच नहीं, मैं मन से इतना परपंच काय फैलाए बैठा हूं, और इतना भी पता होना चाहिए अगर हम अपने स्वभाव को नहीं साध पा रहे, हम वहां से हट जाएं कि कोई भी करे सेवा, कोई भी देखे, मुझे क्या, मैं तो पहले अपने को बनाऊं, मैं तो कोई कोना पकड़ूं, कोई फुराटी अपने सिर में लगाऊं, मैं तो जागृत बनूं, इतना भी पता होता है अंदर वाले को, कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब हम चेंज होना नहीं चाहते, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, मोड़ना नहीं चाहते। हर एक जाके अपनी इंक्वायरी करे, ज्ञान सुनाने में बहुत रस है सबको, लेकिन अपने मन को सुनाने का रस किसी को नहीं, दूजों को सुनाने का रस है। अपने लिए क्या रखा है, अपने मन में कौन से चेंजेस हैं। आई एम राइट, आई नो, सबके अंदर बीमारी भरी पड़ी है। अरे भले मुझे आता हो फिर भी क्या हो गया, किसी को साथ लेके चलने में अर्ज है। कभी भी किसी की भी चीज अप डाउन हो जाती है, बुद्धि भी तो ऊपर नीचे होती है, फर्क थोड़ी पड़ता है। कई बार आता भी है काम पर, नहीं एस्टीमेट ठीक लगता, दूसरे से पूछ लेते हैं, भाई तुम बताओ नमक इतना काफी, चीनी इतनी काफी, क्या हो गया, छोटे हो गए क्या, छोटे हो गए। फिर बल्कि जिसको आता है ना उसकी सीखने की खिड़की खुली रहती है, जिसको नहीं आता और प्रिटेंड करता है मुझे आता है, सीखने की खिड़की उसकी बंद होती है। हमारा अनुभव तो ये कहता है, और अंदर वाला सीखने को रेडी रहता है, कोई बड़ी बात ही नहीं। आता है तो परफेक्शन लाने में क्या अर्ज है, और काम को परफेक्टली करना है उसमें दिखाना किसको है, मुझे तो आता है, सर तुम्हारी हेल्प ले ली साथ, क्या हो गया, मिलजुल के कर लिया। सोच के देखो, हमको जब ये डर लगता है ना, भांडा ना फूट जाए कि इसको नहीं आता, हम उस प्रिटेंड करने के चक्कर में रिसीविंग माइंड बंद कर देते हैं। क्योंकि जब आता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो डर नहीं होता, दूसरा ये तो नहीं समझेगा इसको नहीं आता, अच्छा समझ ले क्या हो गया, कोई बात नहीं भाई, कुछ मुझे आता है कुछ तुझे आता है, चलो मिलजुल के गाड़ी चल जाएगी। आजकल तो पिक्चरें बना रहे हैं ऐसी, अंधा बहरा गूंगा तीन दोस्त ही बन जाते हैं, बन जाते हैं नहीं बन जाते, अंधा बोलता है मैं दोस्त की आंख से देख लेता हूं, बहरा बोलता है मैं इसके कान से सुन लेता हूं, गूंगा इशारे करता है दूसरा इंटरप्रेट करता जाता है, मिलके दुनिया चलती है। प्रॉब्लम क्या है, अहंकार काहे का, मैं करता हूं, मैं बहुत अच्छा करता हूं, मेरे को आता है, दूसरा बेवकूफ है, उसको अकल नहीं है, इतना सिर में दर्द पाला हुआ तुम लोगों ने बेकार का, सारा दिन संत की तरह बैठ के वैश्या के पत्थर गिन रहे, और वहां तो चलो सचमुच वैश्या थी तो सही, यहां तो तेरा मन किसी को वैश्या कह रहा है, वैश्या कोई है भी नहीं, सब साधु हैं। चलो कम से कम एक समाज की दृष्टि में वैश्या थी, है ना, लोग भी सोचते होंगे भी साधु है, ठीक बात है, इसका काम सुधारना फटकारना, यहां तो कोई वैश्या भी नहीं, तेरा मन किसके कर्म देख रहा है, सब साधु हैं, सब राम है, तेरा मन क्या देख रहा है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि तू वैश्या के पत्थर गिन रहा है, यहां तो ये बोला जाएगा तू राम के पत्थर गिन रहा है।
यहां तो ये बोला जाएगा साक्षात परमेश्वर तेरे सामने और तू उनके प्रति भी ऐसे पत्थर गिनता है, कौन सी हालत होएगी? सोचो जाके, विचार करो, चेक करो अपने आप को। कानों का स्वाद नहीं बनाना ज्ञान को, तन मन के मालिक बनना अपने, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना, सेल्फ कंट्रोल हो तुम्हारे पास और उसमें तुम्हारा आनंद हो। संयम का आनंद लेके देखो, अनुशासन का आनंद लेके देखो। फेल्योर किसी जगह कोई नहीं होता, तुम लोग हम हर जगह हम फेल्योर हैं, नहीं फेल्योर तुम हो ही नहीं सकते, सन ऑफ गॉड हो, सारी शक्तियां हैं, मन के कहने में आके बिखराव है सारा। मन ने सत्यानाशी की है, मन को सुनते रहते हो फालतू में, चलो अपने मन से अपोजिट। जिम में चले जाओ, तुम उनको बोलो हम थक गए हैं, कहते हैं एक्सरसाइज अब स्टार्ट होगी। जब तुम्हारा शरीर थक गया, एक्सरसाइज उसके बाद स्टार्ट होगी, अभी तक तो कंफर्टेबल जोन था, एक्सरसाइज अब स्टार्ट होगी। तो मन भी कंफर्टेबल जोन में तो चलता है, उसके बाद तुम लोगों से भिड़ते हो, जबकि एक्सरसाइज तो अब स्टार्ट होगी, संयम तो अब शुरू होगा, साधना तो अब शुरू होगा, मन इंद्रियों पर कंट्रोल तो अब शुरू होगा। कि मन नहीं है फिर भी हम सेवा में लगे हैं, पता तो तब चलेगा ना। तो तुम्हें किसने कमजोर बनाया और उसी पे तुम पर्दे डालते हो। देखो जो मन तुमसे गलतियां कराता है, तुम लोग उसी मन पे पर्दे डालते हो, उसी मन का साथ देते हो। जब दूसरे को गलत कह देते हो तो मन का साथ ही तो दिया, जब दूसरे को गलत कह रहे हो तो अपनी गलतियों पे पर्दा ही तो डाला। क्या किया तुमने? अपना नुकसान इंसान आप करता है, जहां उसको आत्म रस पीना चाहिए वो ये कुरस पीता है, जहां उसको आनंद की मौज लेनी चाहिए वहां वो राग द्वेष के संसार में पड़ा हुआ है। राग से मजा लेता है, द्वेष से परेशान होता है। द्वेष है तो किसी से राग भी होगा, राग है तो किसी से द्वेष भी होगा, रहेंगे तो द्वंद्वी जोड़े दोनों ही रहेंगे, ना तो एक भी ना रहेगा। बाहर किससे दूर हो जाना ये मतलब नहीं होता राग खत्म हो गया, सब चलता है अंदर तुम्हारे। और ईमानदार तुम गुरु से भी नहीं हो कि आके बताओ मेरे को मेरे वाले का ख्याल चलता है, भय आता है, मैं उसके लिए करता हूं पर मैं दूसरों को टोक बैठता हूं, सच्चे हो ही नहीं अंदर से, क्लीनलीनेस सही नहीं। यहां भी क्लेवरनेस से चलना चाहोगे बात नहीं बनेगी, यहां भी आके हर इंसान क्लेवरनेस का सहारा लेना चाहता है। चलाकी से मैं अपने को तो सही सिद्ध कर दूं, मैंने कोई सर्टिफिकेट तो बांटना नहीं। तुम सही हो जाओगे आनंद तुम्हें मिल जाएगा, तुम नहीं हो सही अंदर से तो आनंद तुम्हारा ही फिटा रहेगा, हमें तो इसमें कुछ करना ही नहीं। सर्टिफिकेट थोड़ी इश्यू करना है किसी को, तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। संत विचारे थोड़ा सा उनको दुख लगता है तुम्हें देख के, फिर वो तो अपने को विचार दे देते हैं, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, वापस अपने में लौट आते हैं कि मैं कहां तक किसी का चिंतन करूं। समझा दिया, बता दिया, अगला चलना चाहे तो ठीक, नहीं चलना चाहे तो ओके, मानो तो भी आप है, नहीं मानो तो भी आप, पर नहीं मानने से भोगोगे तुम अनेक संताप, ये याद रखना। नहीं मानोगे तो संताप को प्राप्त तुम ही होगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, संतों का भी कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा। अब अपना फायदा नुकसान खुद सोचो। लेकिन भगवान की बात लग रही थी कि बोला हमको दुख लगता है,
कि यहाँ आने के बाद भी अपने आप को संवार नहीं रहे, ज्ञान के अनुसार नहीं चल रहे, गुरु के अनुसार नहीं चल रहे। हर एक अपने लिए आंख खोले अपनी, ठीक है। नहीं होता था, नोइंगली ही अपने ईगो को ही सेटिस्फाई करने के लिए, अपने अंदर वाले अहंकार को, अपने मन को ही सेटिस्फाई करने के लिए शब्द निकलते थे। बट फिर आपके साथ कनेक्ट होके ना पूरी बात समझ में आई कि हम नोइंगली अपने ईगो को ही फ्लैटर करते हैं, अपने मन को ही फ्लैटर करते हैं, तभी सब कुछ आगे से निकल के आता है। फिर आगे चलते चलते आपने और इतना अच्छा गहरा समझाया ना, तो समझ में आ गई, जितना इसको फ्लैटर करोगे ना उतना ही शब्द निकलेंगे और एक से एक शब्द मल्टीप्लाई होकर बढ़ता ही जाएगा, कहानी और नीचे ही जाएगी, ऊपर कुछ नहीं होगा। तो वहीं से ना अपना मुड़ाव होना शुरू हो गया। गुड। खुद नहीं किया पर आपकी शक्ति चली सब। मैंने अपने साथ कोई मेहनत नहीं करी भैया, सारी मेहनत आपकी लगी है। और पता नहीं चला कैसे कब वो शब्द कहाँ थम के रह गए, कहाँ कैसे क्या हुआ। शब्द क्या, संकल्प भी नहीं होगा, कुछ कुछ है ही नहीं। हाँ। क्लीन हो गया अंदर, जैसे आपने बोला ना वेरी गुड, कि कुछ है ही नहीं किसी के लिए कुछ भी। पर थैंक यू सो मच भैया, ये पॉसिबल नहीं था, जन्मों जन्म भी लग जाते तो नहीं था possible. सब कुछ पॉसिबल है जे गुरु की सिख सुने। ग्रंथ साहब पढ़िया होगा ना तूने तो, मत विच रतन जवाहर माणिक जे गुरु की सिख सुने। बस तूने सुनी तो काम हो गया आपका। थैंक यू भैया। हाँ सीमा, सीखने की खिड़की जो है बंद रहती है, मेरी तो हमेशा ही बंद रहती है। मेरे से कोई कुछ पूछता है ना तो मैं एक बार बता देती हूँ, दो बार बता देती हूँ, तीसरे बार ना मैं उसके गले पड़ जाती हूँ। बाद में लगता है कि कर देना चाहिए था काम, पर मैं नहीं करती हूँ। पता नहीं अंदर से जो भी है नहीं करता कि मैं क्यों बोलूँ, क्यों बताऊँ, मैं क्यों उसे सिखाऊँ ये काम। ये अभी कल भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ घर में, तो क्या करूँ मैं। नम्रता सीखो, प्रेम सीखो, डाउन होना सीखो। तुम भी तो हमसे रोज रोज सवाल करती हो, हमने किस दिन डांटा है, किस दिन कहा है कल से सत्संग नहीं आना। तेरे लिए तो इतनी बात ही बहुत है, फिर हम और ज्यादा प्यार करते हैं, फिर और ज्यादा अच्छे से समझाते हैं, फिर और सपोर्ट देते हैं। तेरे लिए तो इतनी बात ही काफी है, इतना ही सोच ले कि मैं भी तो रोज जाके पूछता हूँ, अगर मुझे प्यार से फिर समझाया जाता है मैं भी कर सकता हूँ। भैया आपकी बात और है, लोगों की बात और है, जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो तेरी बात कर रहा हूं, मैं लोगों की बात कर ही नहीं रहा। तुमसे किसी ने पूछा है ना, तुम तो मेरे जैसी हो सकती हो, तुम यहां आती हो। लोगों को छोड़ो, लोगों का हमने क्या करना। अंदर से अपना टेम्पर लूज मत करो, मेरा मेन मोटिव ये है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा किस बात का कैसा आंसर था, क्या था, मैं नहीं जानता। लेकिन हाइपर होना, टेम्पर लूज करना, चिढ़ के रिप्लाई ना करना, चीजें ये गलत हैं। और भैया अभी जैसे ही सत्संग शुरू हुआ था तो एक बात चली थी कि हम यहाँ पे आते हैं, सत्संग को फॉलो भी नहीं करते हैं तो दुख होता है, गुरु को भी दुख होता है। हाँ, हम लोगों को होता कि नहीं होता, मुझे तो बहुत होता है। पर उन चीज़ों को फॉलो मैं कहाँ कर रही हूँ। मैं एक साल हो गया आते हुए, मैं कुछ चीज़ें 10% करती हूँ, 90% फिर फट जाती हूँ, फिर वही चीज़ें। तुम जितना करना चाहती हो उतना फॉलो करती हो, जहाँ तेरा मन मना कर देता है फॉलो नहीं करती हो। ये तो नहीं है कि तुम्हारे अंदर में स्टेमिना नहीं है, यू कैन, पर मन आ जाता है। डोंट, आई कांट तो तुम कह नहीं सकती हो नहीं। तुम्हारा मन तेरे को कहता है डोंट, उसकी सुनती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य तो जबरदस्त है। चाहो तो एक दिन में पलटा खा सकती हो, पर अभी चाह नहीं रही हो। अभी तुम उतना अपनाती हो जितना तुम अपनाना तो चाहती चाहत हो। कैसे आएगी, यहीं बैठते बैठते आएगी, और कैसे आएगी। सच्चा सुमिरन साध के संग उपजे चाह भी साध के संग।
और अच्छे साधक की पहचान क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके? तेरे से अच्छा साधक ही कोई नहीं है, तू ही पहचान है अच्छे साधक की। और एक बात भैया आपने कहा था ना कि दुनिया चालाक, हम कहते हैं कि दुनिया ने हमें चालाक बनाया, हाँ। ऐसा नहीं है, वाकई आपकी बात बहुत परफेक्ट ये थी कि दुनिया जो है ना, वाकई कि हमारे पास जैसे मेकअप की किट में एक चीज नहीं होती और हम कहते हैं एवी ले लो ना, हाँ। तो वो एक चीज हमारी एड ऑन हो जाती है, हाँ। एक पैंतरा और सीख और सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम होते हैं ओवर क्लेवर, अपनी जो भी है दिखाते भी हैं कि हम बहुत चतुर हैं, लेकिन वो चीज कोई ठीक थोड़ी ना, मतलब एक हमने पैंतरा और सीख लिया, पहले कट सी पैंतरे और नाम लगा दिया, नाम लगा, लोग चलाकी सिखा देते, नहीं सिखाते, हम खुद चलाक हैं अंदर से, हम खुद हैं। देखा, सही पकड़ गई ना बात को। दो लाइनें बोल दो, ज्यादा नहीं है। बोलो। तेरे प्यार च रंगे आए मेरा लूलू सजना, तेरे प्यार च रंगे आए मेरा लूलू सजना, लोकी रब नू त्यों देने मेरा रब तू सजना, लोकी रब नू त्यों देने मेरा रब तू सजना, बड़ा शुक्राना तेरा अपनी बनाउण दा, धन्नवाद तेरा मेरी जिंदगी च आउण दा, धन्नवाद तेरा मेरी जिंदगी च आउण दा। हरिओम। फिर मन को कहा कर रब की सारी बातें माननी है मैंने, भैया मेरा दिल बहुत करता है पर फिर मैं कहीं ना कहीं उलझ जाती हूँ। अभी और करने दे, दिल मानेगी एक दिन, सब मानेगी भैया। आप मानोगे, दो दिन से सुबह ना जैसे 3:15 आंख खुल जाती है, पहले ही होता था इंसानों को याद करती थी उसने ऐसा किया उसने, दो दिन से ऐसा हो रहा है कल और आज कि मैं ना भगवान से कंप्लेन कर रही हूँ, शिकायतें कर रही हूँ, शुक्राना नहीं कर रही हूँ, कंप्लेन कर रही हूँ कि ये भगवान मतलब मैं ही मिली थी, मेरे साथ ऐसा क्यों, आपको मेरे पे तरस नहीं आता, ये हुआ ब्ला 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 जो भी है, तो दो दिन से मैं ये कर रही हूँ, क्या ये ठीक है? ना, नहीं है। ये शुक्राना मान, बोल मैं आज तक शिकायतें करती आई हूँ, अपने कर्मों का दोष आपको देती आई हूँ, पर अभी मैंने सीखा है, मैं अपनी बुद्धि को प्रकाशित करना चाहती हूँ, आपके मार्ग चलना चाहती हूँ, भगवान कर्मों की खेती जो भी थी अब आप मेरे को ताकत दो, मैं आपके मार्ग पर खरी उतर सकूं, रूप बदलो इसका। उन चीजों की शिकायत करने का यूज नहीं है, क्योंकि कर्मों की खेती हमारी है, भगवान ने गिफ्ट नहीं दिए हुए, वो हमारी हैं खेतियां, वो तो उसकी बात करने का कोई यूज नहीं होगा। लेकिन कोशिश करें, अब बोलो भगवान मेरे को अपने मार्ग पर चलने की ताकत दो, मैं सच्चाई से यहां बढ़ जाऊं, मेरे अंदर के जो कमजोरियां कमियां इनको जीतने की ताकत मेरे को दो, मैं आपका नाम का सहारा लूं और ज्ञान में आगे चलूं। ऐसे ये प्रार्थना करनी है तो ऐसे वाली करो, वो यूजलेस है। ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ चलो, समझ आ गई ना बात? हाँ, मेरी बात गलत पहुंच जाएगी। लेकिन चले, निरंतर चले फिर वो अभ्यास, निरंतर, अंतर आता है तो काम खराब है। अभी जब आंटी बात कर रहे थे आपने एकदम कहा ना कि आई कांट नहीं कह सकते, पर तुम्हारा मन कहता है डोंट डोंट, मतलब कोई भी नहीं कह सकता कांट। बहुत ही प्यारा सूत्र था ये अपने आप में, और पूरा सत्संग भी बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा लगता है ना कि हम कितना इजीली कुछ वर्ड्स को ले लेते हैं, पर वो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं होने चाहिए।
जब हम कह देते अनलोइंग अनलोइंगली, बट अगर है असल में, तो वो जो आपने हमें दिखाया ना वो बहुत अच्छा था, कि फिर वो हर जगह हो ना, कभी जुराब से मुनि, मतलब वो जो आपने क्लिक कराया ना, ऐसे बहुत अच्छा था कि हमें पता चले ना कि हम क्या करते हैं। अपने आप को माफी दे देते हैं ना आसानी से, अननोइंगली वर्ड कह के अपने आप को माफ कर बैठते हैं, और लगता है दूसरों के आगे भी झेंप मिट गई। ग्लानि का स्थान ही नहीं छोड़ते हम अपने अंदर, पश्चाताप का स्थान ही नहीं छोड़ते, चालाकी से बढ़ रहे हैं इस मार्ग पर भी, चालाकी से बढ़ रहे हैं। एक ना ये भी बहुत अच्छा था कि अपने आगे हमेशा लगा के रखे क्या मैं साधक हूँ। एक चीज़ ना वैसे भी अच्छी लगती है, जब ऐसी चीज़ें हम अपने आगे रखते हैं ना, तो फिर अपने को क्वेश्चन करना आसान होता है, फिर ही विचार भी शुरू होता है। एक आपने लास्ट में वो भी वृत्ति की बात कही ना, कि वो उतनी सधेगी और उतनी सुजाग रहेगी जितनी हम चाहते हैं, और वो करते रहेंगे तो सुजागी बढ़ती चाकू जाएगी। यूज करते रहो, धार बनी रहती है, छोड़ दो जंग खा जाएगा। वृत्ति साधते आओगे, दिन दिन तेज होती आएगी, सुजागी बढ़ती आएगी, सतर्कता बढ़ती जाएगी। ऐसे लग रहा है कि वो अभ्यास ना निरंतर नहीं चल रहा, निरंतरता के लिए ऐसे लग रहा था बहुत प्रयास दम लगाना करना पड़ेगा। पड़ेगा। उसके बाद जो आपने बताई ना कि एक्सरसाइज हम करते हैं, वहां तक करते हैं जितना कंफर्टेबल थकान सी महसूस होगी तो करते हैं, एक्चुअली एक्सरसाइज वहां से स्टार्ट होगी जहां हम थक रहे हैं, उसके बाद हमारा मन थक रहा है, उसके बाद जो हम करेंगे प्रयास असली, हमको जितना कंफर्टेबल लगता है चलना इस रास्ते पे भी चलना, मन को मोड़ उतना तो बहुत इजी से, लेकिन सच्ची बात है, कंफर्टेबल जोन यहां भी ढूंढ लेते हैं। को पानी और साबुन लेके थोड़ा धोना चाहिए, अपने ही मौके मिलता पेशेंट को कर रहा है चुपचाप करवा रहा ये एफर्ट्स ही नहीं पूरे करने देता, फिर कहेगा फेल्योर हो गया, फिर कहेगा तेरी प्रारब्ध में फेल्योर है। लापरवाही, थोड़ा सा रिजल्ट मिलना शुरू होता है तो हम केयरलेस हो जाते हैं अंदर से। वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, इस चीज के प्रति भी केयरफुल रहो ना, थोड़ा रिजल्ट्स मिलने लगते हैं तो हम केयरलेस हो जाते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं, तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर भी दिल से दूर होते हैं, वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं, तेरी
जाता है लोगों को, इधर से खुद वो मुड़ जाते तेरे रंग में राते, ना तड़पन है ना बेचैनी, जो तेरे रंग में राते। जमाना यूं कहे चाहे, बड़े बेशहूर होते हैं, जमाना यूं कहे चाहे, बड़े बेशहूर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं, तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। समझते हैं के सब नशवर, मिटी है चाह क्या बंधन, समझते हैं कि सब नश्वर, मिटी है चाह क्या बंधन। वो सोते हो या जगते हो, शिवो हम की सदा गुंजन, वो सोते हो या जगते हो, शिवो हम की सदा गुंजन। नहीं माया के हथ कंडों से वो मजबूर होते हैं, सही माया के हथ कंडों से वो मजबूर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं, तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। ओ डेरा आसमां पर या के जंगल में बसेरा हो, वो डेरा पर के जंगल में बसेरा हो, नहीं वो डूबता सूरज अमावस का अंधेरा हो, नहीं वो डूबता सूरज अमावस का अंधेरा हो, जिधर गिरती नजर उनकी खया नूर होते हैं।
कीर्ति नजर उनकी ख्याल नूर होते हैं तेरी महफिल के दीवाने नशे जी।